अनुशासन है ऐसे श्री पंचदशनाम जूनागढ़ की मंडलेश्वरी श्रृंखला की मंडलेश्वर प्रिय नैसर्गिका गिरी और आप सबके अंतःकरण में आस्था विश्वास वे सद्गुण संस्कार जिसके वशीभूत आप यहां बैठे हैं आपकी उस पारमार्थिकता के प्रति बहुत आदर के साथ प्रणाम करते हुए हैं। शास्त्र का अर्थ ही शासन है, शासनेति, जो शासन दे। शास्त्र का अर्थ है जो इंद्रियों को अनुशासित करे। इंद्रिय समूह के शासक मन को भी अनुशासित करे। इसे योग की विभिन्न विधाएं और उनकी फलश्रुति एक ही है और वह है चित्त का अनुशासन। एक इतना बड़ा शास्त्र योग शास्त्र, वो चित्त के अनुशासन की बात आरंभ में कहता है। इसे योग कुछ और नहीं है, अनुशासन ही योग है। अथ योगानुशासनम, तो जितने भी योग हैं, जय भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, जप योग, लय योग, ध्यान योग, प्रेम योग, और गीता तो विषाद योग की बात कहती है, पुरुषोत्तम योग, अविकंपन योग, विभूत योग, भक्ति योग, संन्यास कर्म योग, तो योग की विभिन्न विधाएं वे तभी फलकारक होंगी जब आपको अनुशासन आए। अथ योगानुशासनम, ये पहला सूत्र है योग का, दर्शन का पहला सूत्र, उसकी पहली कुंजी, प्रथम सोपान, जीवन सिद्धि की कोई पहली सीढ़ी है परमात्म दर्शन के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए, अपनी अनंतता को अर्जित करने के लिए। परमार्थ के गलियारे में प्रकाश मार्गी पहली सीढ़ी के दर्शन करता है, अब है अनुशासन। अथ योगानुशासनम, और उसकी ध्वनि, इसके संकेत व्यापक अर्थों में है। अनुशासन के अर्थ व्यापक अर्थों में, अनुशासन व्यापक अर्थ में संकेत देता है। समय का अनुशासन, अर्थ का अनुशासन, न केवल प्राणों की गति संगति, न केवल रक्त धमनियां शिरोधाराएं ऊतक कोशिकाएं, न केवल पाचक रस स्मृति कोश, न केवल तंत्रिका तंत्र की वह सूक्ष्म सत्ता जो मन बुद्धि चित्त चेतना गतिमति में एक संगति पैदा कर आपको स्वास्थ्य देती है। अनुशासन में तो यहां तक लिखा ऋषियों ने, आत्मानुशासन,
आत्मानुशासन। आत्मनियंत्रण, शास्त्र का कुछ और अर्थ है ही नहीं, शासन से शासनेति, जो शासन देना सिखाता है। तो जिसका स्वयं पर शासन है, जो स्वयं को नियंत्रित करना जानता है, समय का, अर्थ का, वित्त का, विचार का, अनुभूतियों का, अध्ययन का, संपर्क का, जो प्राप्त है इस सब का भी जो प्रबंधन करना जानता है, प्रबंधन की कला में जितनी निपुणता भारतीयों को है किसी को होगी। इसे चार आश्रम बनाए, सिद्धि के लिए जो सन्यास आश्रम की कल्पना की गई और उससे पूर्व वानप्रस्थ, वो एक बड़े अनुशासन के लिए है। पाचक्र शिथिल हो जाएंगे, स्मृति कोश शने शने शिथिल होता जाएगा, उतनी चैतन्यता प्रखरता नहीं रहेगी। देह दौर्बल्यता के साथ मानसिक दुर्बलताएं भी आएंगी, आसक्ति और प्रचंड होगी। सच तो यही है, शास्त्र कहते हैं यौवन काल में सुख वांछाओं का बहुत प्रचंड होना स्वाभाविक है, पर ये प्रचंडतर उग्रतर भी होती जाती है प्रौढ़ काल में और वार्धक्य तक भी। इनका पीछा करना, उस समय भी जब देह दौर्बल्यता है लेकिन पदार्थों की प्रियता, वस्तुओं का विमोहन, सम्मोहन, आकर्षण, संबंधियों के प्रति गहरी रुचि, आसक्ति, राग द्वेष, ये कुछ कम नहीं होता है, ये बढ़ता जाता है। जो अपने अज्ञान से, अविवेक से, अविचार से, कुंठा से, अपने दैन्य से, अपने चिंतन के दारिद्र से जो परिचित नहीं है, वो भीतर के दुख से मुक्त नहीं हो सकता, दुख धकेले नहीं जा सकते उस देहरी द्वार से जहां अज्ञानता का साम्राज्य है। अज्ञानता दुख की जननी है, अज्ञानता की स्वाभाविक उपज है अपेक्षा, उपेक्षा, ईर्ष्या, राग, द्वेष, सब संभाल के रखने के लिए, और वो नहीं रहेगा तो अभिनिवेश। इसलिए एक ये कभी नहीं जाना गया कि क्यों अपेक्षाएं कर रहे हैं इतनी हम सबसे, क्यों अपेक्षाएं, अति अपेक्षाएं, अति अनुकूलताओं का संचय, अन्य में परिवर्तन की आकांक्षा उन्हें बाध्य करते हैं कि वो अनुसरण करें विचारों को, रुचि को, हमारी मान्यता और हमारे आग्रहों के प्रति उनका समर्थन हो। ये अज्ञानता है, ये अज्ञानता है कि सब अनुकूल बने हमारे, ये अज्ञानता है। तो अन्य से अनेक अपेक्षाएं हैं, परिजनों पुरजनों से, बंधु बांधव से, प्रकृति से, पर्यावरण से, शासक से, सबसे। ये हम भूल जाते हैं कि हमसे भी किसी की अपेक्षा होगी। तो ये बड़ा विस्मरण है, अज्ञानता ये है कि ये विस्मृति है,
पर यह निरंतर स्मरण है कि अन्य से हमारी अपेक्षाएं हैं, तो अन्य के प्रति अपेक्षा है, उपेक्षा है कि न इनके पास धन है, न अट्टालिका है, न संग्रह है, न वाहन है, न भूमि विस्तार है, ये है क्या? कुछ नहीं है। तो उनकी स्वाभाविक उपेक्षा है, उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। क्या है इनके पास? वैसा वाहन, वैसी भूमि, अट्टालिकाएं, संग्रह, आभूषण, चर्चा, ख्याति, पद, प्रतिष्ठा, वैसा बल, वैसी सामर्थ्य, वैसी आर्थिक अनुकूलता है, क्या है इनके पास? इस अज्ञानता में उपेक्षा है। उनके भी जहां चरित्र है, शील संयम है, सदाचार है, नैतिकता है, उनकी भी उपेक्षा कई बार हो जाती है। जो तपस्वी हैं, सरल हैं, निश्चल हैं, अकाम हैं, वीतराग हैं, उपेक्षा, ये अज्ञान है। तो किन्हीं की बड़ी उपेक्षा, किन्हीं से बड़ी अपेक्षा, नहीं हुई अपेक्षा पूरी तो द्वेष हो गया, अपेक्षा होगी तो उसमें राग बना रहता है, निरंतर आसक्ति, और सब ये कब, जब हाथ नहीं लगती ये सब चीजें तो दुख है, बड़ा क्लेश है, अभिनिवेश है, एक विमर्श में निरंतर बना रहता है व्यक्ति, एक झूठे छलावे में, एक हेलो में रहता है व्यक्ति, छलावे में। छाया सच कैसे हो सकती है? वो तो कभी प्रकाश के प्रक्षेपण से, कभी कभी प्रकाश के आरोपण से बड़ी सी दिखती है। अपनी छाया कई बार कितनी बड़ी दिखती है, हम उतने आकार के तो हैं नहीं। विपरीत ढंग से प्रकाश के प्रक्षेपण से छाया कितनी बड़ी हो गई, उस प्रकाश के किसी एक और अलग कोने से आने से वो छाया सिमटती गई। ये कभी विचार नहीं हुआ कि स्वप्नों का भी एक राज्य है, स्वप्निल एक साम्राज्य है, स्वप्निल साम्राज्य। तो वो तो इस तरह से नकार दिए गए आंख खुलने के बाद कि ये तो सपना था, पर जो वैचारिक उपद्रव है आंख खुलते हुए, जो हम सोच रहे हैं, जो चिंतना, जिसमें राग द्वेष का संसार है, जिसमें घृणा है, ग्लानि है, उपेक्षा है, अलगाव है, या कि बड़ी आसक्ति है, अहंता है, ममता है, तो कहीं ज्ञान से मन को अनुशासित किया जाए। समय का अनुशासन, मन अब पछताइए अवसर बीते, समय चूक पुण्य का पछताने। सच तो यही है कि हर दिन एक ऐतिहासिक दिन है, नया दिन है, निर्मिति के लिए, निर्माण के लिए, बड़े कल्याण के लिए, फिर हाथ नहीं आएगा। ये जो आज जी लिया गया है, जो आज जान लिया गया है, जो आज भोग लिया गया है, जो आज खर्च कर लिया गया है, एक और बात कहें, जो आज अनुभव बन गया है, एक्सपीरियंस आज का अलग है, आज का एक्सपीरियंस ही अलग है, पता नहीं कल होगा कि नहीं होगा, वो आज का तो अनुभव ही अलग है। तो कैसे दिन खर्च कर लिया, कैसे समय खर्च कर लिया है, और याद रखो, रख सको तो याद रखना, समय को खर्च करना माने खुद को खर्च करना, समय को, समय का अपव्यय करना, उसका व्यय करना माने स्वयं का व्यय करना। तो खुद को खर्च करके हाथ क्या लगाए, और खुद जैसे मानो मैं एक रुपया हूं, एक एक में पूरा मुकम्मल एक मुद्रा हूं, तो हाथ लगा धेला अधेला दुवन्नी। शास्त्र कहते चवन्नी भर सुख कभी हाथ नहीं लगा, चवन्नी तो बहुत है, अठन्नी हाथ कभी नहीं लगी, एक मुकम्मल एक रुपया जैसा सुख भी हाथ नहीं लगा।
तो कुछ शास्त्र कहते हैं कि खोया रुपया और पाया अधेला है, जाना अकेला है फिर क्यों झमेला है। खोया रुपया, खर्चा रुपया, पाया अधेला है। जाना अकेला है फिर क्यों झमेला है। तो जो आज का अनुभव है, जो आज जिया है, जो आज भोगा है, जो आज व्यय हुआ है, इसके प्रति सचेत होना ही आत्म अनुशासन है। तो कोई पूछे आत्म अनुशासन माने क्या, तो समय जो आपने खर्च किया, ये खुद को ही खर्च किया आपने, एक वित्त की अपेक्षा में, अर्थ की अनुकूलता की अपेक्षा में, पदार्थों के संग्रह की अपेक्षा में, परिजन अनुकूल हों, उनके चेहरे खिले रहें, वो प्रसन्न रहें, वो आनंदित रहें, वो प्रतिकूल ना हो जाए, तो कितना खर्च किया होगा हमने, उनके चेहरे पर मुस्कान आए, सम्मान आए, अपनापन आए, आत्मीयता है, विभव संवेदनाएं हमें पहुंचाए, जो जो अपेक्षित हैं, अभिप्सित हैं, आकांक्षित हैं, तो किस तरह से उधार मांगते रहे प्रसन्नता, किस तरह से दूसरों पर टकटकी लगाते रहे कि वे अनुकूल हों, प्रसन्न हों, उनकी संवेदनाएं हमारे हाथ लगें, कितनी अपेक्षाएं। तो जैसे मानो पूरा जीवन अपेक्षा, उपेक्षा, आसक्ति, अहमता, ममता, संग्रह, भोग और खुद को खर्च करने में बीत जाता है। साधन इकट्ठे करते रहे, साध्य की प्राप्ति नहीं हुई। साधन इसलिए कि साध्य की प्राप्ति हो, इसे बड़ी सस्ती सी बात कह रहे हैं, प्रसन्नता मत ढूंढो, प्रसन्न रहना सीखो, खुश रहिए, खुशियां मत ढूंढिए, खुशियां मत ढूंढो, खुश रहना सीखो। इन्हें कहां ढूंढ रहे हैं आप, अनुकूलताएं ढूंढ रहे हैं आप, प्रकृति में जिसमें नित्य परिवर्तन है, पदार्थों में जो एक रस नहीं है, अपनों में जिनके मूड स्विंग होते रहते हैं, उनके भाव, संवेदनाएं, विचार, स्वीकृति, सहमति, असहमति में एक कांस्टेंट चपलता है। क्योंकि जिस मन से आप एक रस्ता चाहते हैं, वहां मन उनका एक रस नहीं है और आपका भी एक रस नहीं है, यहां भी संगति नहीं है, तो स्विंग होता रहेगा, वो झूलता रहेगा। स्विंग होना माने झूलना। और जानते हो हम सब किस झूले पे बैठे हैं, संशय का झूला, भ्रम का झूला, एक झूला है जो गुजरात में हमने हर घर में देखा, झूला कभी ऊपर कभी नीचे। आत्म अनुशासन, समय का, वित्त का, अर्थ का, जितनी अधिक आप नीतिज्ञ होंगे, जितनी अच्छी आपकी नीतियां होंगी, जितना अधिक आप नियम के साथ रहेंगे, जितने अधिक आप संयमी हैं, उतने ही बलवान हैं। वो व्यक्ति बहुत सुंदर दिखता है जो नीतिज्ञ है, जो नीति पारायण है, जो संयमी है, जो समय का पालन करता है। समय का पालन, प्रियव्रत ने कह दिया, मनु पुत्र प्रियव्रत ने, कि यहां सब चीजें अच्छी हैं, कितना नकारें, कितनी उपेक्षा करें,
कितनी आलोचना करें। तो एक नई दृष्टि दें आपको, अगर ये संसार भगवान ने बनाया है, ये उनकी निर्मिति है, ये उनका निर्माण है, तो फिर इसमें न्यूनता नहीं हो सकती, अल्पता नहीं हो सकती, अभाव नहीं हो सकता, पर्यापन बेगानापन नहीं हो सकता। एक और बात याद रखना, अगर ये उन्होंने बनाया है तो अधूरा नहीं होगा, उन्होंने बनाया है तो इससे आपका अहित नहीं होगा, अनिष्ट नहीं होगा, अमंगल नहीं होगा। तेरा बाणा मीठा लागे, उसका विधान सर्वथा निर्दोष है, उसका विधान, उसमें दोष कहां, न्यूनता कहां, अल्पता कहां, किसी के लिए अहित और अमंगल कहां। तो अज्ञान का, एक अज्ञान का चरम जानना चाहते हो क्या है? अज्ञान के चरम में व्यक्ति अनिष्ट की कल्पना करता है, जो अज्ञान का चरम है उसमें व्यक्ति अनिष्ट की कल्पना करता है, अमंगल की कल्पना करता है, दुख की कल्पना करता है, छिन जाएंगी चीजें कल्पना करता है। अनिष्ट की कल्पना का अर्थ है कि अज्ञान का चरम है। भगवान का विधान सर्वथा निर्दोष है, हर चीज अच्छी है। इसे महाराजा मनु के पुत्र ने कहा, प्रिय व्रत ने, कि मेरा व्रत प्रियता का है, सब चीज प्रिय है, अपनी है, मानिए सब राम के नाते, राम की चीजें हैं ये, जित देखूं तित श्याम मई है, ये सब वही है। इस स्तर की कोई एक स्त्री के साथ उनका विवाह हुआ, जबकि ब्रह्मा से उन्होंने कहा मेरा विवाह, मेरी विवाह में मेरी रुचि नहीं है कोई, तो उन्होंने कहा कि इतनी ऊंची जो चिंतना है इससे उत्तम कोटि की संतानें पैदा होंगी, उत्तम तामस रैवत नाम के मनु उनसे पैदा हुए, निमी उन्हीं के वंश में ऋषभ देव, आदिनाथ आदिपुरुष, प्रथम तीर्थंकर, जिन, जिन शब्द से जैन बना है, जिन जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे जैन शब्द बन गया, ऋषभदेव जिन आदिनाथ। एक अच्छी दृष्टि है वहां भी, यही अच्छा है, कितना बड़ा आग्रह है। एक और दृष्टि दें, ये भी अच्छा है, दृष्टि है, यही अच्छा है, ऐसा ही अच्छा है, थोड़ा सा ट्विस्ट कीजिए, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लाओ, थोड़ी सी लचक लाओ, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी लाइए, ज्यादा नहीं। तो देखिए इसको ऐसे बोलिए, ऐसा भी अच्छा हो सकता है, यही ठीक है, ये जिद है। एक और दृष्टि दें, ये भी ठीक है, ऐसे भी ठीक हो सकता है। तो अपने चिंतन को विकल्प दो, विमर्श दो, विमर्श दीजिए। आपको विमर्श ही नहीं देना चाहते, विकल्प ही नहीं देना चाहते, विमर्श पैदा कीजिए, विकल्प पैदा कीजिए। और बहुत उदार मन से यह बात सुनना, बहुत उदार मन से, अगर आपको विकल्प देना आ गया, विमर्श देना आ गया, विश्वास करना एक अच्छी चीज आपके हाथ लग जाएगी जरूर। और आपने ये कह दिया कि मैं विमर्श नहीं दूंगा, यही अच्छा है। विमर्श का अर्थ है आप नूतनता के लिए, अभिनवता के लिए, अन्वेषण के लिए, गवेषणा के लिए, शोध के लिए तैयार हैं, यू आर रेडी टू रिसर्च। जब आप ये कह रहे हैं कि यही अच्छा है, तब आपने कपाट बंद कर लिए रिसर्च के लिए, अब नहीं खोजना है, अब नहीं ढूंढना है, अब नहीं जानना है। तो मुझसे पूछे जैन सिद्धांत है क्या, यही जैन सिद्धांत है।
और ये विमर्श उस दिन आपके पास आएगा जिस दिन इंद्रियों को जीतने की दिशा में किंचित श्रम करने लगोगे। जो अहिंसा है वो कभी सिद्ध नहीं हो सकती जब तक करुणा ना आए, प्रेम ना आए। जो लोग ये कहते हैं कि मीठा बोलो, मीठा कैसे बोले, मीठा सोचने ही नहीं आता तो बोलें कैसे? जिसका मीठा चिंतन नहीं है वो मीठा नहीं बोल सकता, जिसके पास मीठी दृष्टि नहीं है। मीठा बोलो ये मत कहो, लोगों से को मीठा सोचो। मधुवाता रिताये मधुक्षरंति सिंधव, ये वेद मंत्र है। वेद कहता है माधुर्य का चिंतन बनाइए, आपके चिंतन में माधुर्य रहे, आपके चिंतन में करुणा। तो जिनके पास करुणा है उनके आसपास में सबके लिए स्वीकृति पैदा हो जाती है। ये जो एक्सेप्टेंस टू ऑल है, एक्सेप्टेंस टू ऑल, ये बहुत ऊंची चीज है। बहुत छोटा शब्द है भाई ये टॉलरेंस, सहिष्णुता से बहुत बड़ा शब्द है जो हमारी प्रकृति में, उसका नाम है एक्सेप्टेंस, स्वीकृति सबके लिए, सब मेरे अपने हैं। एक ऐसी मान्यता, दूजा कोई है ही नहीं। वेदांतिक उन्मुक्त दृष्टि देता है, वेदांत आपको सोचने के लिए नहीं स्वीकृति देता है कि ये सब मेरा है। और तब विमर्श पैदा होगा, तब फिर विकल्प भी आपके पास आएगा, फिर एक नया चिंतन आपके पास आएगा, एक नई सोच आएगी आपके पास में, एक नव उमंग नई ऊर्जा आपके पास आएगी। ऊर्जा वहां रह जाती है जहां नावीन्य नहीं है, अभिनव प्रयोग नहीं है, सृजन के लिए उत्सुकता नहीं है। ये ऊर्जा तो चलायमान है, उसे रोज रोज चलाइए। नव सृजन, नव कल्पना, नवाचार, नूतनता जो सृष्टि में निरंतर है, स्वभाव से है। दिन में प्रजनी सायं प्रात शिशिर वसंत पुनरायात, कौपल हैं फिर पत्र हैं, फिर से शाख गहरा गई, हरितिमा छा गई, धीरे से अमिया मोर मंजरी, लो लटक गए रसाल, फिर से आ गई कोकिल, फिर से धूम मचा रही हैं तितलियां, भ्रमर गीत गा रहे हैं, कचनार खिल तो गई कभी सूख भी गई। ये जो सृष्टि का क्रम है जिसमें निरंतर परिवर्तन है, इस विमर्श तो प्रकृति के पास है, विकल्प तो वहां भी है। तो दृष्टि एक ये है कि यही सही है और एक दृष्टि है कि ये भी सही है। जो ये दृष्टि है कि यही सही है, इसमें जिद है, इसमें हट है, इसमें अनुसंधान के लिए, अन्वेषण के लिए, गवेषणाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। रिसर्च के लिए फिर आपने कपाट बंद कर लिए, फिर अनुसंधान नहीं करोगे। एक दृष्टि ये भी लेकर आओ, ये भी सही है। तो अनुशासन लाइए, आर्थिक अनुशासन लाओ, समय का अनुशासन लाओ, यही आत्मानुशासन है। जो आज का दिन है वो कितना खर्च कर लिया, कितना भोग लिया, कितना जान लिया, कितना जी लिया, या कि कितना अनुभव बना। जो आज पूरा खर्च किया, मुकम्मल आज जो आपने खर्च किया है खुद को, समय खर्च नहीं किया आपने, खुद को खर्च किया। आप जो कुछ भी हैं इंटरटेलिटी में, वो आप समय ही हैं। आपने समझ क्या रखा अपने आप को? कोई रंग है, वर्ण है, जाति है, कुल है, गोत्र, वंश, परंपरा, लंबे चौड़े, पद प्रतिष्ठा, ख्याति, डिग्रियां, ये आप हैं? ये बाहर की चीजें, समय आप हैं, आप एक प्रारब्ध हैं, ये देह के साथ एक भोग भाग्य है, आप एक अवसर हैं, उस पर अनुशासन लाइए।
फिर उनके पुत्र भरत। तो ज्ञान हमारी पहली मांग है, भरत माने प्रकाश, ज्ञान। वो पहली मांग है जिसमें स्पष्टता है, जिसमें प्रकाशन है, जिसमें ध्येय का, पथ और पाथेय का, स्वयं का प्रकाशन है, प्रत्यालोचन है। इसलिए फिर कहा गया अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, आओ उसकी जिज्ञासा कर लें, उसे जान लें। आत्मनम तो तत्विद्धि, उस सत्य को जान लें जो नित्य है, शाश्वत है। इसे उपनिषदों ने कहा, वेद ने घोष किया, आत्मनम तो तत्विद्धि, अविनाशी तो तत्विद्धि, उसे जानो। और वेद का भी कुछ और अर्थ नहीं है, वेद विद धातु, वेद विद माने विज्ञ बनो, जानो, पहचानो, समझो, सीखो। ये तो वेद है और क्या है, सीखो, जानो, पहचानो, समझो, यही तो वेद है। जो भरत की मृगबाल आसक्ति है और फिर से उसका मृग बनना है, यह संगति दोष है। तो ध्यान रखना, बड़े कितने ऊंचे हो गए हो, संगति ठीक नहीं है तो धड़ाम से नीचे गिरोगे, भले एलिवेटेड हो गए आप। संगति आप में धुंधलापन लाती है, महापुरुषों की संगति आप में प्रकाश पैदा करती है, क्लैरिटी देती है, मोर क्लैरिटी। जिस ढंग से एक अंडरस्टैंडिंग आप में सत्संग के बाद आएगी, जिस ढंग से आप एडजस्टमेंट सत्संग के बाद करना सीखेंगे, एकोमोडेट करना सीखेंगे, नहीं आएगा आपको एकोमोडेट करना, किसी को बहुत कठिन है किसी को सहन करना। मन की ईर्ष्या उसी समय पता लग जाती है, उसका द्वेष, उसमें घृणा, ग्लानी, उसमें अभावहीनता, आत्महीनता, उसी समय आत्महीनता पैदा हो जाएगी। अगर आपके पास विचार नहीं है, विवेक नहीं है, खुद को समझा नहीं है, तब किसी की प्रगति आपको विचलित कर सकती है, किसी की उन्नति आप में अभाव पैदा कर सकती है, किसी का सौंदर्य आपको लज्जित कर सकता है, किसी की अट्टालिकाएं आपको बहुत बौना बना सकती हैं, किसी की उच्च प्रतिष्ठा, अगर आपके पास में विवेक नहीं है, समझ नहीं है। तो अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, विचार नहीं है, आत्माभ्यास नहीं है, आत्मानुशासन नहीं है, स्वाध्याय नहीं है, अगर इससे प्राप्त होने वाला प्रकाश नहीं है, तब ध्यान रखना धीरे धीरे सुलगने लगती हैं चीजें, एक धुआं सा उठता है और उसमें आप कुंठित हो जाते हैं। तो हो सकता है किसी की प्रगति आपकी प्रसन्नता छीन ले, किसी की अट्टालिकाएं आपको आहत कर दें। सहन भी करने की शक्ति तो चाहिए। वेद में तो अद्भुत भावनाएं की गई, बलमसी बलम मई देही, रूपोसी रूपम मई देही, मन्युरसी मन्यु मई देही, तेजोसी तेजो मई देही। अंत में ऋषि ने प्रार्थना की, सहोसी सौ मई देही, मुझे सहन करने की भी शक्ति देना, सहनशील भी बनूं मैं। और वैदिक काल में किस ढंग से द्वेष पैदा हो सकता था, आज नहीं, आज तो जरा जरा सी बातों में, तनिक तनिक सी बातों में है। उस समय वैदिक काल के ऋषियों को भी इस बात की भनक लग गई थी कि अगर ठीक ढंग से संवाद करना नहीं आया, ज्ञान नहीं आया, आसपास प्रकाश नहीं है, मैं विवेक से वंचित रहा, तब हो सकता है कि मुझे मेरे गुरु से, मेरे पिता से, मेरी पत्नी से, मेरी पुत्री से, मेरे पड़ोसियों से द्वेष हो जाए। तो क्या कहा, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। आगे क्या है,
तेजस्विना वदेतमस्तु मा मा न हो, मा माने न हो क्या, मा विद्वेषा वही, द्वेष न हो मुझे, मैं ग्लानी से न भर उठूं, मुझ में छोटापन पैदा ना हो जाए, मैं खुद को बहुत कमजोर न समझने लगूं किसी का बल देखकर। तो किसी की प्रगति आपकी प्रसन्नता छीनती है, किसी की अट्टालिकाएं आप में अभाव पैदा करती हैं, और अगर नहीं करती तो फिर एक बात अपने मन को बता देना कि आप सचमुच में साधक बन गए हैं, या फिर दो बातें हो गई होंगी, या तो फिर सच्चा गुरु मिल गया, या फिर भैया भगवान के दर्शन हो गए। वही मन बनाएंगे, एक अच्छा अंतःकरण वही निर्मित करेंगे। तो मृग बाल की जो आसक्ति है, धड़ाम से नीचे गिरा, वो मृग योनि में पहुंचा, जिसके नाम से पूरी दुनिया, एक गली नुक्कड़ चौराहे पे मेरा नाम लिख दिया जाए, लोग तरसते रहते हैं, जीवन भर भटकते रहते हैं कि ये गली मेरे नाम से हो, चौराहा मेरे नाम से हो, मरने के बाद ये मिट्टी की मूर्ति यहां लगा देना। हमने तो पीढ़ियां हमारा धर्मशालाओं के पंखों में लटकती हुई देखी है, धर्मशाला के पंखों में पीढ़ियां लटक रही हैं, पोते ने फिर अपने पिता की सन्निधि में परदादा का ध्यान करते हुए दादी के संग में स्वर्गीय पितरों की स्मृति में ये पंखा लगवाया है। पंखे की तीन पत्तियों पर हमारा पीढ़ियां लटकी हुई हैं, बने रहे यहां, दिखते रहे, चर्चाएं रहे, स्थापित रहे, मान्य रहे, परचम फैरते रहे, भगनावेश भी हो जाए, भले ही खंडर बन जाए, किले खोद कर देखा जाए, जब इसके गर्भ में से ताल पात्र निकले, इतिहास हमारा हो। तो संगति नीचे ले आती है कई बार, संगति जत संग दोषा, ये जो गीता का 15वें अध्याय का ये जो 5वां श्लोक है बड़ा अद्भुत है, जित संग दोषा, किससे होगा ये, अध्यात्म नित्या, या कि जो विनिवृत्त काम, विनिवृत्त काम, कंप्लीट रिटायरमेंट फ्रॉम वर्ल्डली जॉयज प्लेजर, जो सेंशुअल प्लेजर है, ये मिले वो मिले, यहां मिले वहां मिले, ऐसे मिले वैसे मिले, मैं दिखूं जाना जाऊं पहचाना जाऊं, मैं दिखूं जानू पहचानू जाऊं, कुछ खा लें पी लें चख लें छू लें, कुछ अच्छा सा रहे, सेंसुअल प्लेजर, निरंतर हलचल, ये किससे शांत होगी जानते हो, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, या जो पहला चरण है निर्माण मोहा, या जो बीच में भी बात आई जित संग दोष, किससे होगा ये, अध्यात्म नित्या, तो ये निरंतर के साधन आपका बढ़िया स्वभाव बनाते हैं, ये निरंतर के साधन आपको एक प्रकृति देते हैं, आपको एक अच्छी समझ देते हैं, ये निरंतर के साधन आपके अध्यास को तोड़ते हैं, ये निरंतर के साधन आपकी रुचियों को, आपकी कामना और वासनाओं में विराम चिन्ह लगाते हैं, ये निरंतर का साधन, निरंतर साधन में निरंतरता रहे, अविच्छिन्न हो वो, अबाध हो, अखंड हो, दीर्घ काल तक हो। और मैं तो एक और इनपुट देना चाहता हूं, वो सदगुरु की सन्निधि में हो, महापुरुषों के आसपास रहिए, भले ही सात समंदर पास हैं, कीप इन टच, भले ही सात समंदर पार हैं, कीप इन टच, टच में रहिए। कीप इन टच का अर्थ बिल्कुल सीधा यही है, विचार के साथ रहो, ग्रंथ के साथ रहो, सत्संग के साथ रहो, उनके अनुशासन आदेश अनुदेश के साथ रहिए, सात समंदर पार भी आपको पता लगे कि मुझे देख रहा है, उसके आई स्कैनर से मैं अलग नहीं हो सकता, एंड दैट इज द कंप्लीट रडार एंड आई एम द अंडर स्कैनर, ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे ना देख रहा हो, राम झरो का बैठ गए सबको मुजरा ले, मुजरा ले, कितनी ऊंची बात देखिए,
जैसी जाकी चाकरी वैसो वाकु दे राम झरोखा बैठ के। राम झरोखे में बैठकर पता है क्या कर रहा है? अंकित टंकित संचित कर रहा है आपकी सब चीजें, जो आपकी सकल जो चेष्टाएं चितवने वृत्तियां हैं, स्वीकृति है अस्वीकृति है, मान्यता है अमान्यता है, जो कुछ भी है आपकी सारी सारी साइको बायो टेंडेंसीज, सब जो कुछ कर रहे हो अंकित है संचित है टंकित है, उसी से भोग भाग्य और आपका जीवन बन रहा है उसी से। राम झरोखा बैठ के इसे जित संग दोष। अरे कितना लाइट फील कर रहे हैं आप यहां तीन चार दिन में वृंदावन में, देखा नहीं आपने? जित संग दोष, किसी संघ में हो आप। और ये कुछ ब्रजवासी ऐसा भी कहते हैं, जैसो संग वैसो रंग। वैसो रंग आवे भैया, संग ठीक हो तो, संग ठीक करबे की बात है, संग ठीक होना चाहिए। तो कहां मृग योनि में चला गया वो? पर कनेक्टिविटी बनी रही, स्मृति बनी रही, क्योंकि वो ज्ञान की निष्ठा थी, उसे स्मृति बनी रही। भले ही देह मृग की है भरत की, पर स्मृति है, ये बड़ी चीज है। ये आपको याद रहना चाहिए, मां मनुस्मर युद्ध च। बहुत कम लोगों के समझ में आया कि कृष्ण ने अर्जुन को क्या बोल दिया। उसे कहा युद्ध करते रहना पर मेरा स्मरण करते रहना। ये कैसे हो सकता है? युद्ध भी करें आपको भी याद करते रहे, युद्ध करें आपका स्मरण करें, जब भी करते रहें आपको ध्याते रहें भजते रहें आप चिंतन में रहेंगे तो युद्ध कैसे होगा? पर कृष्ण कहता है, माधव ने बताया, अरे अर्जुन मां मनुस्मर युद्ध च, मां मनुस्मर मेरा स्मरण करते हुए मुझे अपनी स्मृति में रखते हुए युद्ध करना, मेरी मेरी विस्मृति ना हो जाए तुझे, विस्मृति ना हो जाए। तो ज्ञान की जो पहली भूमिका है शुभेच्छा सुविचारणा फिर तनुमानसा, ये सत्वापत्ति, ये जो ज्ञान की भूमिका है, इन ज्ञान की भूमिकाओं में उसे विस्मृति नहीं हुई कि वो कौन है। कुछ देर के लिए संग दोष के कारण आप में कोई विचार बदल सकते हैं, भाषा बदल सकती है, आपके जिह्वा पर दुर्वचन आ सकते हैं, एक दो बार कोई चीज आपने की तो वो आदत बन गई आपकी, एक दो चार बार आपने कोई चीज की होगी, एक दो चार बार कुछ ही तो किया होगा आपने, फिर वो आदत बन गई, फिर अब आप आदि हो गए, अब उसके बिना नहीं रह रहे हैं। इस मृग योनि से मुक्त होकर वो अपनी स्मृति का आश्रय लेकर जीवन मुक्त हो गया। और जिस मृग के कारण उसे मृग योनि मिली वो कहीं वो राजा रघुगण बन गया वो मृग। इसलिए उसे भी कोई एक स्मृति बनी रहती थी कि मैं किसी का हूं, मैं किसी का हूं। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, हम सबको एक ये बना रहता है कि कोई और कुछ पाना है, कुछ और है, कोई और मंजिल है, कोई और ठिकाना है, कुछ और बनना है, कुछ और है। एक बहुत अद्भुत पंक्ति याद आती है मुझे, रहना नहीं दे सुबिराना है, 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 नहीं दे सुबिराना है, रहना नहीं
विराना है, रहना नहीं देश विराना है, रहना नहीं देश विराना है। यह संसार कागज की पुड़िया, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है, रहना नहीं दे सुबिराना है, रहना नहीं दे सुबिराना है। ये संसार झार और झाखर, ये संसार झाड़ और झाखर, ये संसार झार और झाखर, उलझी उलझी मर जाना है, रहना नहीं दे सुबिराना है, रहना नहीं दे बेगाना है, रहना नहीं दे सुबेगाना है, रहना नहीं दे सुबेगाना है। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, लाड जले जो लाकड़ी, केस जले जो घास, सब जग जलता देखी के भया कबीर उदास, रहना नहीं दे सुबिराना है, रहना नहीं दे सुबिराना है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सत गुरु नाम ठिकाना है, सत गुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं दे सुबिराना है, रहना नहीं दे सुबिराना है। यह संसार काठ की बाड़ी, संसार काठ की बाड़ी, आग लगे जल जा, रहना नहीं दे सुबिराना है, रहना नहीं दे सुबिराना है, रहना नहीं दे सुबिराना है। जाना केला फिर क्या झमेला है, जाना केला है फिर क्यों झमेला, पायो रुपया खोया रुपया, तूने पाया था खोया रुपया, तने पायो अधेला है। आदमी तो नाचता है सांसों की ताल पे, काल का तमाचा लगे हर किसी के खाल पे, बांधी जो गठड़ी खोल चलने की बेला रे, जाना केला रे फिर क्यों झमेला रे। मुझे दिव्य बनना है, मुझे सच को जानना है,
मुझे अपनी नियति प्रकृति स्वभाव से जिससे मैं बिछड़ गया हूं, मैं मिलूं उससे जो मेरा है। वो मंत्र की गूंज अनुगूंज, वो मंत्र की तरंगें, उसमें चैतन्य रहती थी, बड़ी प्रखर मुखर रहती थी। उस अभाव की पूर्ति के लिए उसे उकसाती रहती उस राजा को। और एक दिन उसने कहा अपने मंत्रियों से, अमात्य से, कि मुझे गुरु से मिलना है भाई, मुझे याद करता है, उसी से अभाव पूरे होंगे। एक ज्ञान ऐसा मिला है, एक अभाव रहता है मुझमें। पशु जैसा था, ये पालकी में बैठकर आया, और ये धन्य है गुरु, सत्ता भी ऐसी है, बंध जाने के लिए तैयार है, पालकी का कहार बनने के लिए तैयार है, पर कैसे ही शिष्य का उद्धार हो, ये उसकी भावना। कहार बन गया, गुरु कहार बनने को तैयार है, वाल्मीकि के उद्धार के लिए वो उसकी रज्जू मोटे रस्से से वट वृक्ष के साथ बंधने को तैयार है। बात पुरानी है, मैं कहीं उत्तरकाशी में था, एक बहुत सिद्ध पुरुष के पास बैठे थे, और बात ऐसे ही चल रही थी, तो उन्होंने पूछा हमसे कि भाई रोज हम कुछ कहते हैं, आज आप सुनाइए कुछ। मुंडक उपनिषद पढ़ने जाता था मैं उनसे, मुंडक चल रहा था उन दोनों, मुंडक उपनिषद। मुझसे उन्होंने कहा हम रोज कुछ कहते हैं, आज आप कहेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं नहीं, आज आप ही कहेंगे, पर कुछ ऐसा कहेंगे जो जीवन भर हमें याद रहे। तो सहसा कहने लगे कि ठीक है, अगर ऐसा ही है तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जीव के उद्धार के लिए ही बार बार गुरु का आना इस धरती पर होता है। जो मुक्त पुरुष हैं, शुद्ध पुरुष हैं, अकाम पुरुष हैं, आप तक काम पुरुष हैं, देखने में लगता है कि उनका कोई प्रारब्ध है, कोई भोग भाग्य है, उनका कोई जीवन है, पर वो एक कलेक्टिव, एक समष्टि प्रारब्ध है उनका, जो अपने शिष्य मंडल के लिए धरती पर आ रहे हैं। एक कलेक्टिव, एक समष्टि प्रारब्ध है उनका। और कोई ढंग से देखे इस कथा को, सुने और इसके भीतर झांक कर देखे, तो पाएगा कि भरत का कोई प्रारब्ध नहीं रह गया था, कोई प्रारब्ध नहीं रह गया था भरत का, कोई कर्म शेष रह ही नहीं गया था भरत का। एक ही कर्म तो रह गया था कि वो मृग में आ सकते थे तो मृगबाल बन गए, मृगबाल से मुक्त होकर ये जो जड़ भरत बना है, श्रीमताम गेहे, बार 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 तीर्थ याद आ रहे हैं आपको, संत याद आ रहे हैं, सत्संग याद आता है, गुरु याद आता है, सत्कर्म करने को मन करता है, तो चुपके से डायरी में लिख देना कि आप योग भ्रष्ट साधक हैं। बार बार तीर्थ खींचे, बार बार आपका मन करे तीर्थ में चलो, सत्संग में चलो, गुरु के पास चलो, कुछ सत्कर्म करो, यज्ञ कर्म करो, पुण्य कर्म करो। और लंबा अगर आपका भाग्य ऐसा लिख गया है कि घंटों संतों के साथ हैं आप, सत्संग में महापुरुषों के पास हैं हफ्तों महीनों सालों, तो सीधी सीधी बात यही है कि आप योग भ्रष्ट हैं। सालों साल अगर आपकी सांसें उनके साथ बीत रही हैं, भरत के लिए तो कर्म रह ही नहीं गया था, कोई वासना नहीं रह गई थी, फिर देह क्यों मिली? तो देह भी जो मिली है भरत को, जड़ भरत को, मरने के बाद श्रीमताम गेहे, वो केवल रघुगण के मुक्ति के लिए और किसी के लिए नहीं। उसे मृग योनि से मुक्त करने के लिए, उसके एलिवेशन के लिए वो धरती पर आया है कि मेरा शिष्य एलिवेटेड हो जाए। एक छोटी सी कामना के कारण ही तो मृग बन गया वो, क्योंकि मृग आ सकती थी, अब उस मृग योनि से वो नर बन गया है, और ये मृग योनि से मुक्त होकर योगी बन गया। तो कितनी प्रचंड वो कामना है शिष्य के उद्धार की, कि वो पालकी में बैठ के चल पड़ा शिष्य और कहने लगा मुझे गुरु को ढूंढना है, और गुरु कहीं और नहीं, उसके पालकी कई कहार बना बैठा है। एक इसका अर्थ ये भी है कि कहीं ढूंढने मत जाओ, वो आपके पास ही है, आत्म रूप से, ज्ञान रूप से, विचार रूप से, संकल्प से, सत्कर्मों के रूप से, वो आपके पास ही है।
अब वो संतुलन बिगड़ने लगा, क्योंकि ज्ञान में एक रूपता है, एक संगति है, बहुत सजगता है, मंत्र की बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है मंत्र है। वो परा परा से आने वाली सत्ता, पश्यन्ति मध्यमा वैघुरी। एक साधु उपहास करने लगे, कुछ साधुओं की मंडली, महिलाएं झगड़ रही थी आपस में, तो एक साधु ने कह दिया ये तो स्वभाव है इनका, कुछ महिलाएं झगड़ रही थी आपस में। तो एक साधु ने कहा देखो महाराज ये बहनें झगड़ रही हैं आपस में, और भी गोबर के लिए, गोबर के उपले, गोबर के कंडे, ये जो थापियां हैं गोबर की, ईंधन बनाती हैं गांव की माताएं, गोबर इकट्ठा करेंगी, और वो आर्ट मैंने देखा है, इट्स ए ब्यूटीफुल आर्ट। गोबर इकट्ठा किया, दो चार मार दिए हाथ उसमें, उसे इकट्ठा किया ऐसे एक साथ, एक उसका वो गोला सा बनाकर दो तीन चार हाथ रख दिया। कोई साइंस नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, डिस्ट्रेसिंग प्रोग्राम है, माताओं का गीत गा रही है, गुनगुना रही है, वो ईंधन भी है। तो दो तीन माताओं ने कहा कि मेरे हैं, उन कंडों पर उपलों पर झगड़ा कर रही हैं, ये मेरे वाले हैं, तैने मेरे उठा लिए हैं। तो एक साधु कह रहा था देखो तो सही गोबर पे झगड़ा कर रही हैं माताएं। तो उसमें से एक ने कह दिया इनका तो स्वभाव ही ऐसा है, और ये बात उन महिलाओं के कान में गई, चलते साधुओं का रास्ता रोककर वो खड़ी हो गई। उन्हें बाबा जी रुक जाइए, हमारा झगड़ा मिटा के जाइए। झगड़ा क्या है बहनों आपका? हमारा झगड़ा ये है कि ये मेरे वाले जो उपले कंडे हैं ये इसने उठा रखे हैं, ये कहती है मेरे हैं, और पूरा मोहल्ला इसके साथ खड़ा है, मैं अकेली पड़ गई हूं। तो संत ने कहा कि फिर मैं कैसे जानूं कि तेरे वाले कौन से हैं, मैं कैसे बांट के दूंगा? बोले वो सीधी बात है, कान से लगाना इसमें विट्ठल विट्ठल की ध्वनि आए, वो मेरे हैं, नाम जिसमें गूंज रहा हो, मंत्र जिसमें चल रहा हो, वो मेरे हैं, बाकी के इनके हैं। साधु को लेने के देने पड़ गए। और ये बहुत सच मानिए, ये बड़ी कठिनाई है उन साधकों की जो थोड़ा जप करने लगे, ध्यान करने लगे, सत्संग करने लगे, अनायास माथे पे चंदन लगाने लगे, कुछ सफेद से कपड़े पहनने लगे, कुछ अलग से दिखने लगे। अब उनमें एक और कठिनाई जग गई है, वो कहते हैं हम सुपीरियर हैं, कुछ दो चार कुछ अच्छी चीजें करने के बाद अब एक और नई कठिनाई पैदा हो गई, वो कहते हैं हम थोड़े श्रेष्ठ हैं, पूज्य हैं, हम थोड़े अधिक उन्नत कोटि के हैं, थोड़े श्रेष्ठ हैं, थोड़े भिन्न हैं, और ये भिन्न नहीं है। तो साधन की ये कठिनाइयां, अब मैं तो बचपन से साधु हूं, तो सारे नाटक मैंने देखे हैं खुद में, अब हम अलग हैं, चूंकि हम फलार करते हैं, हम हिमालय में रहते हैं, हम अनुष्ठान कर रहे हैं, हम सबसे ऊंची पहाड़ी पर रहते हैं, ये अभी भी नीचे ही पड़े हैं उत्तरकाशी में, मैं ऊपर रहता हूं, मैं फलार करता हूं, मैं जप करता हूं, मैं 3 बजे उठता हूं। तो सारे नाटक मैंने देखे हैं कि मन कितना अपने को डिफरेंट कहता है, मैं अलग हूं भाई, मैं थोड़ा अलग हूं, बिना भगवत भजन के, बिना योग के, प्रकाश के, बिना अनुग्रह के आप सहज नहीं होंगे। तो साधु अपने को क्या माने बैठा है? इसलिए उसने जब कंडे वो उपले कान पे लगाए तो उनमें आवाज आती है विठल विठल विठल, वो निकाल निकाल कर अलग करता गया। और पूछा उस महिला से कि तेरा जप इतना प्रचंड है? तो उसने कहा कि आंखें बंद कर मेरे पूरे हाथ में देख, और जब कान पर हाथ लगाया तो नारायण के दर्शन हो गए उस गूंज में, पैठण में मस्तक के महेश के मस्तक पर हाथ रखकर भेद मंत्र बोलवाया उसे। तो चांगदेव कहता है मैं 900 साल का हूं और ये 16 वर्षीय छोकरा, इसका पूरे संसार में नाम हो गया 16 साल के सन्यासी का, वो भी गृहस्थ बालक है। एक मैं हूं योगी 900 साल का, देखो तो सही क्या है। वो शेर पे बैठ के चल पड़ा,
ये बताने के लिए कि देख मेरा तप कैसा है, मैं 900 साल से जिंदा हूं, शेर पर चल सकता हूं, शेर को नियंत्रित कर सकता हूं, हिंसक पशु भी मेरी बात मानता है। और जब चला वो, तो वो 16 साल के ज्ञानदेव बैठे थे भित्ति पर। भीत माने भित्ति, ये संस्कृत वर्ड है, संस्कृत का शब्द है। सुने बिनु का बिनु पद चले, सुने बिनु का कर बिनु कर्म करे विधिना, कर बिनु कर्म करे बिनु पद चले, सुने बिन कान कर बिन कर्म करे विधि नान। आन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सदगुरुं तन्नमामि, सदगुरुं तन्नमामि। नमो नमः कारण विग्रहाय स्वरूप तुच्छीकृत विग्रहाय, नमो वधूतो द्विजबन्धुलिंग निगूढ नित्यानुभवाय तुभ्यम्। पालकी में से कूदकर गुरु को प्रणाम किया, वो कहार जैसे ही दिख रहे थे पर वो भरत ही थे।
स्पार्क हो गया, जैसे वो सूखी लकड़ियों की बात कही गई कि लकड़ियां सूखी हों, घृत में भीगी हों, कर्पूर उन पर छिड़का हुआ हो, लाक्षा जो बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ है, लाख लाख लाक्षा भी कहते हैं उसे, लाक्षा लाक्षा ग्रह वो जो बना था लाख का घर, लाक्षा और घृत कर्पूर से वो भीगी हूं लकड़ियां सूखी, उनको तनिक सी चिंगारी लग जाए तो किस तरह से अग्नि भड़क उठती है। और सूखी लकड़ियां गीली हों, चातुर्मास की भयानक वृष्टि हो, भीगी लकड़ियां हैं, वर्षा हो रही है, गीली लकड़ियां हैं, तो किस तरह से आग लगाएं उनमें। तो विषय रस से भीगी हुई लकड़ियां, भीगा हुआ मन हमारा, जिनमें नित्य विषय रस है, कामनाओं से जो गीली हैं, ऐषणाओं से जो हरी हैं, तो वैराग्य भी एक साधन तो है और अभ्यास। याद रखना ये दो बातें, थोड़ा याद रखो, इसी से साधन सिद्ध होगा। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। तो जो एक बड़ी अवस्था है वो है एकाग्रता। यद्यपि निरुद्धावस्था ही महद अवस्था है, उसी से समाधि या निर्वाण या निर्विकल्प अवस्था घटित होगी, या कैवल्य के कपाट तो निरुद्धावस्था में ही खुलेंगे, पर उससे पूर्व की भी जो एक अवस्था है बहुत ही उत्तम अवस्था है और उसका नाम है एकाग्रता। उसी में अभ्यास सिद्ध होता है। इस ढंग से मन को एकाग्र कीजिए कि आपका अभ्यास सिद्ध हो जाए। अभी प्रैक्टिस कर तो रहे हैं आप, पर वो फलीभूत नहीं हो रही है, कर रहे हैं मैं, चल रहा है, हो रही है प्रैक्टिस, अभ्यास हो तो रहा है, फलीभूत नहीं। इसलिए भी नहीं है कि वो वैराग्य के साथ नहीं है। तो कोई भी अभ्यास बिना वैराग्य के फलीभूत नहीं होगा। अभ्यास को वैराग्य चाहिए, और ये बिल्कुल ध्यान रखने की बात है, वैराग्य घर छोड़ना नहीं है। घर छोड़ने का नाम वैराग्य नहीं है। गिरिकंदराओं में जाना, एक विशेष प्रकार के रंग से वस्त्रों को रंग लेना वैराग्य नहीं है। वैराग्य का अर्थ है भोग के परिणाम को जानना, पदार्थों के सच हाथ लग जाए, जो दिख रहा है, जो विद्यमान है, जो दृश्यमान है, जो भासित है, जो अनुभूत है, जो कल्पित है, जो भोग लिया है, कितना और भोगेंगे संसार, कितना और, कोई एक्सपीरियंस हाथ लगा नहीं क्या अभी तक, कोई अनुभव हाथ नहीं लगा है। एक बार और करना चाहते हो, एक बार और कर लो, दो बार करो, तीसरी बार करो। तो वैराग्य का अर्थ है पदार्थ का सच हाथ लग जाना। तो जो षष्ठम स्कंद में ये अजामिल की कथा आती है वो भी यही संकेत करते हैं कि किस तरह से नाम से वो मुक्त हो गया। संसार की ये तो छुएंगी, वो आकर्षित करेंगी ही, तो किसी नर्तकी के आकर्षण में दास्या संसर्ग दोषता कान कुजेदि जह कश्चिद दासी पतिरे अजामिलः नामनानस्थ सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। सदाचार नष्ट हो गए उस नर्तकी के संसर्ग में, स्वाभाविक है, जो अपने हाव भाव मुद्रा चितवन भंगिमा
और वस्त्र आभूषण से, नृत्य की कुछ विधाओं से जो उद्यम में लगी हैं बेचारी, स्वाभाविक है कि उनका तो एक तरह से वो देही प्रोडक्ट है ना, देही पदार्थ है ना, उसी से तो उन्हें रिझाना है, चितवन से, भंगिमाओं से, मुद्राओं से, नृत्य की विविध कलाओं से, संगीत से। तो जो वस्त्र भी हैं वो उस प्रकार से वो उद्यम के लिए वस्त्र हैं, वो आभूषण जो है वाणी नहीं, चिंतन नहीं, चरित्र नहीं। कई बार व्यक्ति को चितवन चाहिए, चरित्र से क्या लेना है। जो काया की कमनीयता है वो आकर्षित कर रही है। तो सुशीला साध्वी यत्र नारायण परायण, अपनी पत्नी जो साध्वी जैसी थी उसे त्याग कर और वो नर्तकी के संसर्ग में, यज्ञ छूट गया, उपवास, अभिषेक, मंत्र जाप, त्रिकाल संध्या, संसर्ग दोषतः। एक बड़ी सुंदर सी कथा याद आती है। अनायास लक्ष्मी जी ने देखा भगवान मुस्कुरा रहे हैं, और ये कोई नई बात नहीं, पर ये जो जिस ढंग की ये मुस्कान है ये अपरिचित है, अजान है, पहली बार देखिए। प्राय पत्नी अथवा पति ये तो जानते ही है कि भी किस प्रकार की बॉडी लैंग्वेज है मेरे साथी की, बच्चों की। हमें पता तो होता ही है कि बालक का ध्यान हम में नहीं है, बटुए पे ध्यान है। जो इतनी प्रशंसा कर रहा है मां की, बालक, मां तू अच्छी है, भोली है, प्यारी है, मां तू कितनी भोली है, मां तो भोली है, लेकिन मां को मालूम है भोला कह रहा है, ध्यान बटुए पर है, पर्स पर है, मां बहुत अच्छी है, दृष्टि चली जाती है। तो भगवान देख कुछ रहे हैं, सोच कुछ रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं कुछ और, ध्यान कहीं और है भगवान का। तो लक्ष्मी ने देखा कि उनके ध्यान में एक उच्चस्थ अवस्था है, कोई एक वीतराग अवस्था कि जीवन ऐसा हो। तो उस जीवन के प्रति उनमें एक कोई बड़ी महनीय स्वीकृति, ऐसे जीवन होने चाहिए। तो किसी पंडित के लिए किसी उच्चस्थ एक वीतराग अतीन्द्रिय जीवन की वो कल्पना कर रहे हैं, और वो वहां नारी के संसर्ग में, वो दूषित दूषित होकर नर्तकी के संग में। तो ध्यान कहीं और है, वो कुछ और कल्पना कर रहे हैं, लेकिन उनके ओठों पर व्यंग मुस्कान है कि देखो कहां पड़ाए हैं, जो ये हो सकता था। इंद्रियों से छलांग लगाकर वीतराग हो सकता था, जो मेरा स्वरूप बन सकता है, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो स्वयं ईश्वर बन सकता है, जो स्वयं मेरी ही सामर्थ्य का स्वामी बन सकता है, वो देखो छोटी सी चितवन में, भंगिमाओं में, मुद्राओं में, रूप हास विलास रास में, आमोद विनोद प्रमोद में, थोड़ी हंसी ठिठोली में कहां फंसा हुआ है, कुछ छोटी सी चीजों में, तनिक सी चिबुक, हनु ओष्ठ, कपोल, भाल, आंखों की वक्रता है क्या, कहां फंसा हुआ है। इस ढंग से भी कई बार भगवान देखते होंगे ऊपर से, तो देखा कि अजामिल वहां है। तो उनकी जिस ढंग से मुस्कुराहट देखी मां ने, लक्ष्मी ने, मां ने देखा कि बहुत अलग ढंग की एक मुस्कुराहट है, जिसमें बहुत व्यंग है, उपहास है, बड़ी उपेक्षा है, बड़ा तिरस्कार है, किसी को याद करके बड़ी ग्लानी से हो रही है भगवान को, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। ये मुस्कुराहट तो है लेकिन इसमें व्यंग है। तो किसके ध्यान में चले गए भगवान, किसे देख रहे हैं, किस निकृष्ट और भ्रष्ट को देख रहे हैं, कौन है ऐसा अधम, कौन इतना पतित है जो भगवान को दिखाई दे रहा है, और भगवान मुस्कुरा भी रहे हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा। लक्ष्मी जी ने उनका ध्यान भंग किया ये कहकर, हे स्वामिन, हे करुणा सागर, हे मधुराधिपते,
हे अघहर्ता सुखकर्ता मंगल मूर्ति, हे आदि देव, हे जगन्नाथ, हे बदरेश्वर, हे श्रीनाथ, भगवान के सुंदर सुंदर नाम लेकर उनका ध्यान हटाया भगवान की। इस तरह से कुछ वो तंद्रा सी टूटी और उन्होंने लक्ष्मी को देखकर सहज बनने का सा अभ्यास किया, ऐसा दिखाया मैं सहज हूं, पर लक्ष्मी तो ताड़ गई थी, पहचान गई थी। पूछा लक्ष्मी ने क्या हुआ, तो भगवान ने कहा देखो वो अजामिल नीचे देखो, उसे देख रहा था मैं। तो देखो मां कई बार कैसे काम आ जाती है, ये मां की मैं आपको युक्ति बता रहा हूं, माताएं किस तरह से फेवर करती हैं बच्चों का। जब बाप अच्छा न लग रहा हो, जब पिता क्रुद्ध हो, क्षुब्ध हो, पिता को ग्लोनी हो, पिता को किसी ढंग से संतान के प्रति आवेश हो, तब मां कैसे कल्याण कर देती है, ये देखिए उदाहरण। तो भगवान ने कहा देखिए सा जामिल को कहां अटकाया, ये विषयी दुराचारी अधम, ये निकृष्ट भ्रष्ट, ये देखो अजामिल को देखो। और तब लक्ष्मी जी पता है क्या कहने लगी कि जिस पर आपकी बार बार दृष्टि जा रही है इसका अर्थ है उसका उद्धार ही होगा, आपकी दृष्टि जा रही है बार बार, आप बार बार जिसे देख रहे हैं, हे नारायण आपकी दृष्टि जिस पर गई है उसका कल्याण हो ही गया, वो तो मूढ़ है, जड़ है, शट है, पापी है, दुरात्मा है, दुष्टात्मा है, अधमात्मा है, पतित है, अपनी साध्वी स्त्री को घर से भगा दिया, लिखा तो ऐसा ही है कथाओं में, गुत पकड़कर ये चोटी पकड़कर उसे बाहर कर दिया, निकल यहां से, यहां नहीं रह सकते, तो वो रहेगी मेरे संग, वो नर्तकी। तो भगवान को कितना बुरा लगा कि साध्वी स्त्री घर से बाहर कर दी, नर्तकी को घर में ले आया, नाचने वाली को, त्रिकाल संध्या जो कर रही थी, और वो भी इसी शर्त पर आई थी कि हवन नहीं करेगा, गौओं को डंडे मारकर बाहर निकाल दे, माला झोली दंड कमंडलू गंगा जी में फेंक दे। वो कान्यकुब्ज नगर का द्विज श्रेष्ठ द्विज, वो कनौजिया, और हमारे यहां साधुओं में कहते हैं नौ कनौजिया तेरह चूले, इतने पवित्र होते हैं वो, आहार में इतनी पवित्रता, इतनी दिव्य कनौजिया पंडित, ये कान्यकुब्ज इतने पवित्र, इनका आहार कितना पवित्र होता है, अद्भुत ब्राह्मण होते हैं। तो भगवान ने कहा इतना दिव्य ब्राह्मण होकर कर क्या रहा है ये, लेकिन माने कितनी किस ढंग से सिफारिश कर दी, देखो माने का जिस पर बार बार दृष्टि जा रही है आपकी इसका अर्थ है कि वो प्रिय है, उसी का तो कल्याण करोगे, किसी और पर दृष्टि नहीं गई, अब उसका कल्याण कीजिए, उद्धार कीजिए। और ऐसा कहकर भगवान प्रसन्न हो गए कि लक्ष्मी जी ने ऐसा कहा है तो मानेंगे। तो भगवान के नेत्रों में आश्वासन दिखा, एक अद्भुत प्रीति दिखी और उसके कल्याण की उद्दाम भावना दिखी, और ऐसा लगा कि भगवान उसके उद्धार के लिए कटिबद्ध हो गए, प्रतिबद्ध हो गए, एक उनमें दिव्य संबद्धता दिखी उसके उद्धार के लिए। तो पूछा फिर मां ने कि अब तो आप संकल्पित हो गए, अब तो एक तरह से कृत संकल्प है, आप कटिबद्ध हैं, आप में दिव्य प्रतिबद्धता दिखाई दे रही है, वचनबद्धता दिखाई दे रही है, आप उसका कल्याण कर ही देंगे, लेकिन यह समझ नहीं आ रहा करोगे कैसे, साधन कौन सा होगा, किस साधन से जीव का आप कल्याण करेंगे। तो भगवान ने कहा मेरे पास तो एक ही साधन है, जब किसी जीव का मुझे उद्धार करना होता है एक ही उपाय आता है मुझे। तो लक्ष्मी ने कहा वो कौन सा उपाय है, तो उन्होंने कहा मैं जीवात्मा के जीवन में साधु संत महात्मा भेज देता हूं, जिसका उद्धार करना होता है उस जीवात्मा के जीवन में साधु संत महात्मा गुरु को भेज देते हैं, वो शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध करके मेरे पास भेज देते हैं। ये साधुओं का धंधा ही यही है कि जीवात्माओं को शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध कर, उसे प्रबोधित कर, और फिर भेजते रहते हैं भगवान के पास। इसलिए वो सन्यासियों का आगमन, सन्यासियों का भिक्षा ग्रह करना, और उस नर्तकी का बिचारी भोली भाली सन्यासियों का आग्रह जानकर, हविष्यान्य तो था नहीं, वो चौर अन्न था, दस्यु अन्न था, लुटेरा था,
अब वो ब्राह्मण तो रहा नहीं, कोई उसे कर्म कांड के लिए बुलाता नहीं था, क्योंकि भ्रष्ट हो चुका था तो चौर कर्म करता था, चोरी का अन्न, हविष्यान्न, उस अन्न में दुर्गंध कितनी। जब साधुओं ने वो अन्न ग्रहण किया तो समझ गए यह हविष्यान्न नहीं है, ये भगवान को अर्पित अन्न नहीं है, ये प्रसादी नहीं है, इसमें बड़े दोष है। तब उस अन्न को वो भगवान को समर्पित करने लगे। ब्रह्मा ब्रह्म भी ब्रह्मागनो ब्रह्मणा होतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। पंच आहुति दी उन्होंने अन्न की, ओम प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। अग्नि का आह्वान करने लगे उसी अन्न में कि इस हे दिव्य अग्नि, इस अन्न को पवित्र कर और इस अन्न की गंध को अपनी चेतना के पंख के साथ उड़ाकर ले जा, इंद्र तक भाग पहुंचा इसका। अग्नि ने सुपथा राय अस्मान विश्वानि देव विवनानि विद्वान। अग्नि ने पंख लगाए, उस हविष्यान वो अन्न बनाया, अन्न को परमात्मा को सौंपा, देवगणों को सौंपा, उसकी गंध को वहां पहुंचाया। अन्न में गंध है भाई, एक अलग प्रकार की गंध है अन्न में, मंत्रों के साथ वो गंध अंबर तक छलांग लगाकर जाती है। वो यव, जौ, तिल, चावल, घृत, शकर, और अगर वो उस तरह से मंत्र आधीन वो गंध नहीं है तो वो उदर की पूर्ति के लिए मलमूत्र बन जाता है, वही अन्न। लेकिन जो हवन कुंड में अन्न डाला गया मंत्र के साथ, वही देव भाग बनता है, यज्ञ भाग बनता है, यज्ञ शिष्ट बनता है। अन्न में गंध, अन्न में बड़ा नशा है, उसे कुछ दिन तक रखो तो मरा वो, जितना पुराना करते जाओगे वो इक्षुरस किस तरह से उन्मादी बन जाता है। इक्षुरस गन्ने का रस, अंगूर का रस, वो जौ जो केवल देवताओं को चढ़ता है, जौ जौ ही देवताओं को मान्य है, तिल पर उसका वो तैल ले, उसका रस वो बार ले, विकृत होकर इस तरह से वो उन्मादी बन जाता है पदार्थ, फिर वो देवताओं को मान्य नहीं, और इसे मेरी अति मत मानना, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी अति मत मानना है इसको, पर सच यही है कि अगर चार बूंद भी आपके यहां मदिरा की घर में आ गई है, देवता पलायन कर जाएंगे, वो गंध उन्हें मान्य नहीं है, वो गंध उन्हें उनके अंतःकरण को मान्य नहीं है। तो जो मदिरा की गंध है वो आपके दैवत्व को सुप्त करती है, जो आपके भीतर दैवत्व है, देव देव सत्ता, तो जो मदिरा इस तरह से घर से सबसे पहले कोई निकलता है तो पितृ, पितरों की अनुकूलता, पितृ पलायन कर जाते हैं, पितरों को वो गंध मान्य नहीं है। इसे अन्न की सजगता की बात कही गई, जो हविष्यान्न है, यज्ञ है, घर में प्रसाद बनाना है, तुलसी दल डालकर भगवान को ठाकुर जी को भोग लगाना है, उसके मूल में यही एक बात है कि अन्न आपका सड़ जाए, सड़ न जाए, दुर्गंध ना आ जाए, उसमें मदिरा ना बन जाए, उन्मादी ना बन जाए, रोग कारक ना बन जाए। ये जान करके ये अन्न ठीक नहीं है, ये वैश्या ही है, ये नर्तकी हमें भोजन करा रही है, इसका पति चोर लुटेरा, पर अब चूंकि अन्न सामने इसका अनादर नहीं करेंगे, उसे कुछ नहीं कहा, उस अन्न को यज्ञ कर दिया, उस अन्न को हवन बनाकर उस अन्न को वो देवताओं को पहुंचाने लगे। पुण्य तो देखो नर्तकी के, और वो अजामिल का आगमन, संतों की प्रकृति ऐसी है वो कुछ देकर ही आए। एक बात याद रख सको तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो ज्येष्ठ जन है, महाजन है, पूज्य जन है, संत जन है, विज्ञ जन है, जो वीतराग पुरुष है, संत पुरुष है, याद रखना वो कुछ लेने नहीं आए आपके जीवन में, कुछ देने के लिए आए आपके जीवन में, कुछ लेने नहीं आए। आपको लगता है कि कुछ लेने आ गए, कुछ नहीं। भिखारी भी अगर द्वार पर आपके आया भीख मांगने
तो सच मानिए अन्न का आग्रह लेकर नहीं आया, आपकी उदारता जगाने के लिए आया है। क्या समझ रखा है? भिखारी आया आपके द्वार पर, हाथ पसार कर खड़ा है और आपका अहंकार तो देखो, आप कह रहे मैं दे रहा हूं। अरे ना 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 भैया, तू दे नहीं रहा, तेरे भीतर की उदारता जगाने के लिए एक अवसर द्वार पर खड़ा है। तो भिक्षुक का द्वार पर आगमन का अर्थ है आपके भीतर का औदार्य जगे, ये एक अवसर आपके हाथ लगा। इतनी सोच के साथ जीवन जियोगे तभी अपनी वस्तुएं कल्याणकारक बन जाएंगी। इसे अजामिल जब आया तो अजामिल से साधु कहने लगे कि भाई तेरी पत्नी ने हमें भोजन करा दिया, और दक्षिणा तू दे दे। अजामिल ने कहा दक्षिणा मैं आपको अपमानित नहीं कर रहा हूं, यही दक्षिणा है, मैं धक्के मार के घर से नहीं निकाल रहा, यही दक्षिणा है। मैंने दुर्वचन नहीं बोले आपको, ये कम दक्षिणा है। और हां मैं ये नहीं कह रहा हूं जल्दी निकलो घर से, यही दक्षिणा मान लीजिए। संत तो भगवद आज्ञा के अधीन थे, देवाज्ञा उसकी अधीनता में थे संत, तो अपने आप तो आए ही नहीं थे, उन्हें तो धकेला गया था। वो तो नारायण की आज्ञा के अधीन है, देवाज्ञा हो उधर जाओ। ऐसा ही जानकर चरे वेति चरे वती ईश्वरे क्षया मम प्रारब्ध ईश्वरे क्षया, मेरा जो प्रारब्ध है यहां कथा करो, यहां जाओ, ऐसे चलो, खाओ पियो, इस पद प्रतिष्ठा के साथ रहो, ये सब भैया तेरी आज्ञा है, तेरी ड्यूटी है। तो वृंदावन में कथा करा, किसी और जगह, यहां ले चल, एक हफ्ते के बाद विदेश जा रहे हैं वहां ले चल। तो पंक्ति में खड़ा कर या उच्च आसन पर बैठा। तो हमारे रमण रेती वाले महाराज जी कहते हैं कि नाटक जो तू कहेगा मैं करूंगा। तो मुझे पुरानी पंक्ति अपनी याद आती है जो शायद 1984 में लिखी गई थी उत्तरकाशी में, यात्री मैं, आई एम द ओनली ट्रेवलर, तो कुछ इस ढंग से लिखा गया था, मैं खाली यात्री हूं, यात्री मैं, भवसागर केवट पोत तुम ही पतवार हो। ना यात्री मैं केवल यात्री हूं, यात्री मैं, भवसागर केवट पोत तुम ही पतवार हो, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरिया आओ मकार हो। ओम जो ओम हमारा गीत है, नाद है, नियति है, धर्म है, साधन है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरिया आओ मकार हो। नाटक नाट्य प्रणेता सदगुरु अवधेश के सर्वाधार हो। आई एम द ट्रेवलर ओनली, यात्री मैं, भवसागर केवट पोत तुम्हें पतवार। साधु कोई विचलित नहीं हुए कि अजामिल ऐसे अब शब्द कह रहा है, साधुओं को मालूम था यहां भेजे गए हैं, ड्यूटी है, एक ये भी ड्यूटी है, ये तो कर्तव्य निभाने आए, भेजा गया, धकेल दिया नारायण ने इधर चल, मम प्रारब्ध ईश्वरे क्षया, मैं कुछ नहीं हूं, जो ये कुछ हो रहा है तेरी आज्ञा है। वृंदावन में कथा कह रहा नहीं है, हम तैयार हैं, विदेश ले चल वहां तैयार है, तुझे क्या अच्छा लगता, मैं तैयार हूं, मैं राजी हूं उसमें जिसमें तेरी रजा है, जिधर ले चलोगे उधर मैं चलूंगा, अपनी कोई बात नहीं है। इतनी डेडिकेशन के साथ जियो तो साधुओं की सहजता देखकर वो प्रसन्न भी हुआ। और साधु ने कहा कि देख दक्षिणा मैं द्रव्य नहीं मांग रहे, द्रव्य नहीं चाहिए दक्षिणा, में वस्त्र नहीं चाहिए, कमंडलु धन धाम धैनु धाय, चूंकि दक्षिणा भी बढ़ती जाती है ना, कि थोड़ी जमीनी दे दो, निर्माण ही कर दीजिए, दक्षिणा का भी बदलता जाता है, न धन न धाम न धैनु धाय, द्रव्य वस्तु पदार्थ कुछ नहीं चाहिए। तो अजामिल ने कहा फिर क्या चाहिए दक्षिणा में, तो साधु ने बड़ी सुंदर सी बात कही, बोले दक्षिणा में कुछ नहीं, तुझे पुत्र की प्राप्ति होगी, उसका नाम रखना नारायण, बस ये वचन दे कि तू बेटे का नाम नारायण रखेगा।
और सच में उसके पुत्र हो गया, उसका नाम नारायण रख दिया। भोगी जल्दी रोगी बनता है और जल्दी ही उसकी सांसें भी सिमट जाती है। अंतकाल में नारायण 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 अपने पुत्र को पुकार रहा था और वो उसका जो मूल मंत्र है वो जागृत हो गया, स्पार्क हो गया बस। वो ओम नमो नारायण ख्यात, ओम नमो नारायण इति ख्यात तारक मंत्र, ओम नमो नारायण इति ख्यात तारक मंत्र। तो उसका मंत्र ही यही था, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। ये अष्टाक्षर मंत्र ये जागृत हो गया। तो ध्यान तो कर रहा था पुत्र का, मंत्र से ध्यान में परमात्मा आ गया। और वो दशरथ मरते समय ध्यान तो कर रहा था भगवान का, पर मुनि दंपति के श्राप के अधीन ध्यान कहां चला गया, बेटे में। तो दशरथ मरते मरते बेटे के ध्यान में मरे, राम के ध्यान में नहीं। दशरथ के प्राण गए पुत्र के ध्यान में, इसे मुक्ति नहीं हुई, स्वर्ग में गए। वो तो राम ने ही उन्हें मुक्त किया, जब स्वर्ग के देवताओं के मध्य में उन्हें खड़ा हुआ देखा। क्या उन्नति हुई दशरथ की, स्वर्ग में तो वो कई बार गए थे, स्वर्ग की तो उन्होंने सुरक्षा की, स्वर्ग में तो नित्य उनका अभिनंदन होता था। तो प्राण निकलने के बाद भी स्वर्ग में ही गए, चूंकि वो पुत्र के ध्यान में मरे और इतने पुण्य थे कि वो स्वर्ग में अपने पुण्यों के कारण गए। पर जिसका पुत्र ही परमात्मा हो उसे तो मुक्त होना चाहिए। तो जो कौशल्या पुत्र के दर्शन करके मुक्त हो गई, वैसा दर्शन नित्य करते हैं दशरथ। लेकिन दशरथ पुत्र के वियोग में, और ये पुत्र का ध्यान करते करते नारायण के ध्यान में चला गया। इसलिए मंत्र अर्थ सहित होना चाहिए, भाव सहित होना चाहिए। मंत्र की मूल भावना मूल आत्मा आपसे पृथक ना हो जाए। जो मंत्र है वो सजगता चाहता है आरंभ में, मंत्र आरंभ में बहुत सजगता चाहता है। कई बार स्तुतियां भी, कई बार श्लोक भी, स्तवन भी, बहुत ही कई बार गलत एक दो चार पांच बार आपने उच्चारण कर दिया तो फिर सही कभी नहीं होगा। इसलिए कोई एक सप्शती का पाठ करते करते कहता था भार्याम भक्षतु भैरवी, भार्याम भक्षतु भैरवी, भार्याम भक्षतु भैरवी, उसकी पत्नी मर गई। सच्ची घटना है, उस ऋषि ने कहा माँ कहते ने क्या कर दिया, पत्नी मेरा एक साधन है, पत्नी साधन है मुक्ति का, वो जंजाल नहीं है, लाइबिलिटी नहीं है, पत्नी मेरी एसेट है, मेरी संपदा है, वो तो मेरे मुक्ति का कारण थी और तेने मेरी पत्नी मार दी। तो माँ ने कहा तू रोज ही कहता था हे भैरवी मेरी पत्नी का भक्षण कर, हे भैरवी मेरी पत्नी का भक्षण कर, भार्याम भक्षतु भैरवी, हे भैरवी मेरी पत्नी का भक्षण कर, भार्याम रक्षतु, वो कहता है अरक्षतु अरक्षतु भक्षतु। या तो सोच समझ के बोलो नहीं तो मत बोलो, सीधा सीधा राम 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 करते रहो। और गुरु ने भी कोई मंत्र दिया होगा तो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, वो भी बहुत सरल और सीधा होगा, उसी को जपते रहिए। या तो करना है ढंग से कीजिए, अन्यथा तो नहीं। अब गुरु जी पढ़ा रहे थे तो उनके शिष्यों ने कहा हम तो ठीक ढंग से पढ़ रहे हैं, बोले ठीक ढंग से पढ़ रहे हो तो उसका अर्थ बताओ। तो एक चेले ने कहा कि काग दही के कारण, दही रखी थी कौवा आ गया, बोले काग ये दही के कारण है। गुरुजी ने कागज पे लिख दिया कागद ही के कारण, कागद ही के कारण, ऑल बिकॉज ऑफ पेपर। आप जो यहां बैठे हैं ना, ऑल बिकॉज ऑफ पेपर, कागद ही के कागद माने कागज, कागद ही के कारण आप जो यहां बैठे हो, किस वजह से बैठे, ऑल बिकॉज ऑफ पेपर। इसे पढ़ के सुनाओ ये क्या है, कागद ही के कारण। तो पता है क्या पढ़ रहा है एक चेला, कागा काग दही के कारण। दूसरे से कहा तू पढ़ के बताना,
उधर से कुम्हार जा रहा था, तो पता है क्या कहता है, उधर उत्तर प्रदेश बिहार का था उधर वाला, तो कहता है का गदही के कारण, उधर से गदही भी निकल रही थी, कुम्हार, ये कुम्हार गदही की वजह से जा रहा है। और एक से ये तुम पढ़ के बताओ ये क्या है, उसने कहा काग दही के कारण, ये कौवा अचानक आया दही की वजह से आया। वह नहीं, ये नहीं, शिष्यों ने कहा जी ये जो लिखा है इसे पढ़ा कैसे जाएगा आप ही बताइए। तो गुरु जी ने कहा कागद ही के कारण, ऑल बिकॉज ऑफ पेपर, पेपर के कारण, कागद की वजह से आप यहां बैठे, एक कागद यहां ले आया आपको, विद्या यहां ले आई आपको, परंपरा यहां ले आई आपको। इसलिए बहुत विनय पूर्वक बात कहूं मैं, वेद पढ़ने की चीज नहीं है, सुनने की चीज है, वो भी गुरु गुरु मुख से। इसलिए वो श्रोत्रिय सत्पुरुषों के पास जाओ, अपने तरीके से कुछ मत पढ़ो, एक बार समझ लो उनसे कि कैसे पढ़े कैसे करें। एक दो पंक्ति गुनगुनाते हैं, बड़ी अच्छी कथा प्रतीक्षा में है, अगला प्रसंग बहुत ही सुंदर है और वो एकदम प्रतीक्षा में सामने खड़ा है। इससे पहले कि वहां चलें, एक दो पंक्तियां गुनगुनाते हैं। अच्छे थोड़ा संकीर्तन करेंगे, चित्त स्वस्थ होगा। और इतने दिन से राधा स्मृति तो है पर वो मुखचरित नहीं हुई है, रसना पर है पर वो तरंगित हो, वैखरी बने वो सत्ता। इसलिए युगल छवि का ध्यान करते हुए ये कुछ इस तरह की बातें कही जा सकती हैं कीर्तन के रूप में। जय राधे जय राधे 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 जय राधे जय राधे जय राधे 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 कमल सदैव प्रसन्न रहे नव कुंज नवल्या सुखकारी विश्वभानुराग की प्रिय सुता नंद नंदन प्राण तुम्हारे गोलोकनाथ ब्रज मंडल में तेरे जय राधे जय राधे 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 जय राधे जय राधे जय राधे 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 जय राधे
जय राधे 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 झट से मैया बाल तुम्हारा भव सागर में डूब रहा अब सूजत नहीं किनारा भटके हुए दीन को स्वामी तुम बिन कौन सहारा पकड़ लो भैया अपना जान दुलारा जय राधे जय राधे 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 जय राधे जय राधे जय राधे 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 जय राधे 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 वृत्तियों की असुरता ही वृत्तासुर है। वृत्तियों के तदनुरूप स्वीकृति अनुकृति और हमारा हम उसके अनुरूप समरूप होते जाते हैं। ये बहुत ही मनोवैज्ञानिक बात है। वृत्तियों के अनुरूप तदनुरूप उसके वैसी अनुकृति प्रतिकृति प्रतिरूप हम होते जाते हैं। कोई पूछे हम क्या हैं तो हम अपनी इच्छा कामना वासना स्प्रहा लालसाओं का ही एक साकार रूप है। प्रारब्ध रूप है हम। ये देह प्रारब्ध रूप है, इच्छाओं का पिटारा है, ये कामनाओं का घनीभूत पुंज है। ये भोगवांछाओं के लिए कि स्थूल काया हमें मिली है, भोग लो। चूंकि हम मनुष्य योनि में हैं, विचारशील प्राणी हैं, चिंतनशील प्राणी हैं, विवेकशील प्राणी हैं, इसलिए अपवर्ग के लिए हम लगे हैं, अपवर्ग सिद्धि के लिए। एक अपवर्ग कि हम छोड़ दें इन चीजों को, अपवर्ग कर दे, नहीं चाहिए हमको। मुझे कोई अवार्ड देना चाहे तो बाध्य करेगी सरकार मुझे, किसी किसी एक गुण से रीझ कर कदाचित सरकार ये कहे कि जी आपको तो हम अवार्ड देना चाहते हैं, ये सारे के सारे अलंकरण देना चाहते हैं, बड़े बड़े अलंकार, मुझे बाध्य करेंगे वो, मैं नहीं लेना चाहता। अपवर्ग कर दे जो प्राप्त भोग हैं उनके प्रति विरति, ये अपवर्ग है। और इस अपवर्ग के कारण ही आप में श्रेष्ठता के लिए एक उत्सुकता पैदा होगी कि मुझे वो चाहिए ये नहीं, मुझे तो वह चाहिए ये नहीं। अच्छा एक छोटे से बात सुन, सरकार आपको कोई सम्मान देना चाहे तो आप न लें, बाध्य नहीं कर सकती सरकार, पर आपसे कोई अपराध हो गया है तो फिर धाराएं लगेंगी, वो आप मना नहीं कर सकते कि देखिए हमने कल तो हमने अवार्ड लौटाया है तो हम नहीं, ये नहीं हो सकता। आपको कोई सरकारें ये कहें कि ये पद चाहिए आपके, तो ये पद्म सारे आपको मिलेंगे, ऑल पद्म कैटेगरी, नीचे से ऊपर तक के सारे पद्म आपको मिलेंगे, वो पद्म सम्मान जितने भी हैं, और आप उनको लौटा के हटे हो, ये कह के हमको कुछ नहीं चाहिए, पर अगले दिन आपसे कोई अपराध हो जाए तो अपराध में जो धाराएं लगेंगी उनसे नहीं बच सकते आप। ये नहीं कह सकते मैंने तो कल सारे अवार्ड लौटाए। अपवर्ग में एक चीज और भी है कि अपवर्ग में भोग से नहीं बच पाओगे। कभी नहीं।
तो ये जो देह मिली है, कभी बहुत ध्यान से देखना, जो आपको शरीर मिला है ये भोग और अपवर्ग के लिए, भोगने के लिए। ऐसे ही नहीं आए आप यहां, कुछ किया कराया है उसके वैसे यहां है। तो तीन प्रकार की ये बताए, एक तो मिश्रित, उसमें कुछ पाप है और पुण्य है, उसकी वजह से शरीर मिला, और केवल पाप पाप किए होते तो नरक में बैठे होते, और केवल हमने पुण्य ही किए होते तो फिर हम कहां होते, स्वर्ग में देवता होते हम। केवल पुण्य किए होते हमने, केवल पुण्य किए होते तो हम स्वर्ग के अधिकारी होते। जीरो पाप, जीरो पाप, कोई पाप नहीं है आपके पास, एक भी पाप है धड़ाम से नीचे आओगे कोई देह लेकर। पाप करते भोग, वासना, कामना, देह की छुवन, चखना, छूना, कोई लेकर आओगे, शरीर लेकर आओगे, यहां यहीं पर लेकर आओगे शरीर, कीड़ी का, कुंजर का, मीन का, मतंग का, भृंग का, हाथी का, घोड़े का, सर्प का, स्त्री का, पुरुष का। जिसका ज्यादा चिंतन करोगे वैसा ही, उस तरह के भोग को भोगने के लिए योनि मिलेगी। जैसी वस्तु की चाहत है उसको भोगने के लिए वैसी योनि, वैसी देह मिलेगी। और केवल पाप की होते तो आप होते नरक में, और केवल पुण्य ही होते तो होते स्वर्ग में। ये जो लिए बैठे हैं शरीर पंचभूत का, इसका अर्थ ये मिश्रित है, कुछ थोड़े पाप भी हैं, थोड़े पुण्य भी हैं, कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ ऐसा है। जो वृत्ति है हमारी, बहुत ध्यान से सुनना, कुछ लोगों के पास सब कुछ होता है फिर भी एक याचना वृत्ति है, क्योंकि मनोवृत्तियां मिले, कुछ मिले। जब हम आपके घर जाएंगे तो क्या क्या खिलाओगे, और जब आप हमारे घर आओगे तो क्या क्या लाओगे, बोथ वे। जब हम आपके घर आएंगे ना तो आप क्या खिलाएंगे, और हां जब आप हमारे घर आएंगे तो क्या लाएंगे। वृत्ति, दोनों में हमको चाहिए, वहां जाएंगे तो कुछ मिलेगा, जब वो हमारे घर आएंगे तो कुछ लाएंगे। वृत्ति, याचना वृत्ति, भिक्षा वृत्ति, हमें मिलता नहीं है, हमें नहीं मिला, वहां से नहीं मिला, यहां से नहीं मिला, आदर नहीं, मान नहीं, सम्मान नहीं, एक पहाड़ा रटे बैठे हैं। हमने सबके लिए बहुत किया, हमारे लिए किसी ने नहीं किया। ऐसे पहाड़े कभी कभी मुझे सुनने को मिलते हैं, वृत्तियां मिलने की, पाने की, हमें मिले। तो वृत्ति की असुरता ही वृत्तासुर है, उसे वही वध कर सकता है जिसने स्वप्न में भी क्रोध न किया हो। क्रोध की उपज ही काम से होती है। तो जिसमें कोई सांसारिकता नहीं है, वांछाओं का अभाव है, सुख वांछाओं, जिसके मन वांछाएं, सुख वांछाएं। एक बहुत थोड़ी महंगी बात बताएं, वो इस कथा का बहुत पंच लाइन है, बहुत वो बहुत महंगी चीज है, उसे याद रखना। ये वेदांत में से निकल कर आया एक ये वाक्य है, सुख वांछाएं, महद कामनाएं। जानते हो एक और चीज है, देह बनी रहे, ये भी सुख वांछा है, मेरी बॉडी बनी रहे। देह भी रखना एक कामना है, देह से भोगना तो कामनाएं हैं ही, पर देह भी बनी रहे, इसके पाचक रस बने रहें, ये युवती सी युवक सा बना रहे, ये बनी रहे, इसमें लचक, इसकी मादकता, मांसलता, कामनाएं भोगने के लिए बनी रहे। अरे भोगोगे किससे अगर देह नहीं है तो, जब मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, तो चने किस काम के। तो पहले तो मुंह में दांत हो, पेट में आंत हो, फिर पाचक रस हो, तभी तो चने किसी काम के हैं। और हमारे ग्रंथ एक नई बात कहते हैं सुंदर सी, कि ये कुछ जरूरी नहीं कि मुंह में दांत नहीं रहे और आंत भी शिथिल हो गई हैं तो चने खाने का मन चला गया। ये ऐसा नहीं कहा जा सकता। जिनके दांत निकल गए, दांत का अर्थ है जो किसी एक खास एज ग्रुप में पहुंच गए, और जिनके आंत भी, आंत का मतलब पाचक रस शिथिल हो गए, तो क्या अर्थ है इसका, चने खाने का भी मन चला गया।
ना ना चने खाने का मन तो अभी भी है, दांत नहीं है, भोग वांछा है तो अभी भी है। तो देह रखना भी एक वांछा है, ये भी एक कामना है, इसी से सारी कामनाएं पूरी होंगी। तो याद रखना, काम पूर्ति के लिए देह, तो पहली कामना कौन सी है? देह रखना, जिजीविषा। तो कभी इनको कैटेगराइज करके देखिए, कभी इनको एक श्रेणी में बनाकर देखो, इनको क्रम दो, 1 2 3 4 5, और ऐसे अगर 100 कामनाएं आपकी तो उसमें नंबर 1 कौन सी है? अगर आपकी 100 वासनाएं 100 कामनाएं तो पहली कौन सी है? पहली, सबसे पहली कौन सी है? पहली जानते हो पहली कौन सी है? जिजीविषा, जीना चाहते हो, प्राण चाहते हो, देह चाहते हो, देह बनी रहे, देह बनी रहे, जिजीविषा पहली कामना है। इसे कामना की पूर्ति का अभाव ही क्रोध है। तो वृत्तासुर का वही वध कर सकता है जो इतना बलिजयी हो गया कि इंद्र आदि भी उसके अधीन हो गए, पूरी प्रकृति का संतुलन बिगाड़ने लगा वो। धरती अंबर के बीच में एक संतुलन है, जल अग्नि वायु का एक संतुलन है, प्राणों का एक संतुलन, एक बैलेंस है। और ये ध्यान रहे, जब कभी ये बैलेंस खोता है तब भूकंप, महामारी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बहुत से रोग, महामारी, बहुत तरीके की चीज, जैसे अनिद्रा, उन्माद। अभी अनिद्रा बहुत है, इतनी अनिद्रा है, नींद पूरी नहीं आ रही लोगों को। लोग तो सोना चाहते हैं पर पड़ोसी का लाउडस्पीकर नहीं सोने दे रहा, वो तो सोना चाहते हैं। ओवरऑल जो स्ट्रेस डिप्रेशन है वो नहीं सोने दे रहा। ओवरऑल जो पूरे पर्यावरण में, वायुमंडल में, वातावरण में, धरती और अंबर के बीच में जो सूक्ष्म तरंग हैं, जो बहुत ही अधिक घातक हैं, वो नहीं सोने दे रही है। जीवन खत्म हो गया, ढूंढ ढूंढ कर, ढूंढ ढूंढ कर गौरैया नहीं मिल रही, गौरैया नहीं है, जुगनू गए, तितलियां गई, गए। 1947 को हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त को, और आज तक 37,000 प्रजातियों के पुष्प चले गए, 37,000, इतने फूल खत्म हो गए। देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तब से लेके अब तक 1200 नदियां खो गईं, 1200 तो नदियां खत्म हो गईं, 1200 नदियां खत्म हो गईं, और जो दिख रही हैं वो छूने लायक नहीं रहीं। जमुना रानी तेरो दरस मोए भावे, रुमाल लेके जाइए पास में, जाना है तो बोलते रहो। वो गंगा दर्शनाथ, तब दर्शनाथ मुक्ति। क्या किया हमने? 1200 तो नदियां खत्म हो गई हैं, इनफैक्ट उनके ऊपर कॉलोनी बन गई हैं, हॉस्पिटल्स बन गए, स्कूल्स बन गए, गार्डन्स बन गए, खो गई, पता ही नहीं। और यहां बहुत लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने वो देखी थी, अब नहीं है वो झील, जलाशय, सरित, सरोवर, वो बाग, बगीचे, उपवन, वाटिकाएं, भीथियां, खो गए भोगवांछाओं के कारण, भोगवांछाओं के कारण, अति लोभ के कारण, अति उत्पादन के कारण। आप इसको, मेरी कुछ सुकोमलता मत समझ लेना, पर घटना सच्ची। एक बार कहीं मैं वो संतों के बीच में था और मुझे भोजन बनाना था महापुरुषों के लिए, मेरी सेवा लगी थी। तो आप क्या समझते हैं कि सीधा ऐसे बैठ गए ऊंचे ऐसे आसन पर? मरा बड़ा रगड़ा रगड़ा देना पड़ा है, बर्तन मांजने पड़ गए। वो शुरू में बर्तन मांजिए, भोजन बनाइए, लकड़ी लाइए, अरे क्या नहीं किया, भोजन बनाने के लिए बैठा दिया और मेरे पास रख दिया टमाटर और धनिया। आपसे ऐसा भरोसा नहीं करेंगे, मुझे नक्सीर फूट गई। और किसी साधु ने कहा कुछ हो गया आपको, इतनी गंध थी धनिया की। तो वो चूंकि उन दिनों मेरा प्राणायाम चल रहा था, कुछ अलग तरीके की मेरी साधना चल रही थी, इसमें धनिये की उस गंध ने नक्सीर दे दी मुझे। बहुत देर तक मेरा ब्रीडिंग बंद नहीं हुई नाक से,
वो तो एक साधु अच्छा वैद्य था, उसने मुझे लेटाया और एक मृत्तिका मेरे मस्तक पे रखी और धीरे से कहा प्राणों की गति को सहज कीजिए। टमाटर की गंध इतनी थी, आज से 30-35 साल पहले मेरे सन्यास की आरंभिक अवस्था में गंध इतनी टमाटर की, इतनी वो 20-30 साल तक नहीं छुआ होगा हमने, मान्य नहीं। वो शरीर में इस तरह का भी कोई विटामिन सी डिपॉजिट हो तो मान्य नहीं, उस तरह की बॉडी बन गई थी, गंध मान्य नहीं। जिस ढंग से हम लोगों ने प्राणायाम किए उन दिनों हिमालय में रहकर, जिस ढंग से हम लोग योग सीख रहे थे, मान्य नहीं थी शरीर को। तो वो चिड़ियाओं को, यहां के जीव जंतुओं को, यहां की वनस्पतियों को मान्य नहीं है ये विद्युतीय किरणें। जिस ढंग से कि ये जो गैजेट्स लिए हम फिर रहे हैं, इसमें से जो अज्ञात तरंगें निकल रही हैं, उसने हमको डिसऑर्डर दिया है, डिसऑर्डर सिंड्रोम। उन तरंगों ने हमारी सूक्ष्मता को, हमारी संवेदनशीलता को हिट किया है, हिट किया उसको। तो चीजें हैं ही नहीं। देश आजाद हुआ तब से लेकर अब तक 1200 तो नदियां खो गई, 37,000 तरीके के फूल खत्म हो गए। अन्न हमारे हाथ लगाए तो विषाक्त है वो, उसे पाचकता नहीं। वृत्तासुर अधिक चाहिए हमको, तो अधिक अधिक भोगना है, मुझे चाहिए, पहले मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। तो अन्न की पाचकता, औषधियों की जो उनमें जो प्राण संगति थी, जल में, वायु में, अंबर में, ओजोन की परतों में, वो किस तरह से असंगति आई है अति काम के कारण। अति काम, अति भोग, हमें सब अभी चाहिए, मुझे चाहिए पहले। तो पूरे धरती पर संतुलन बिगड़ गया था उस वृत्तासुर के कारण, उसका वध कौन करे। तो जिसके भीतर, जिसने कभी क्रोध न किया हो, ऐसे महात्मा की अस्थि मिले, जिसने कभी क्रोध नहीं किया है, ऐसे महात्मा की अस्थि मिले और उन अस्थियों से वज्र बनाया जाए तो वृत्तासुर का वध होगा। ले आए उनकी अस्थियां दधीचि की, उसे सपने में भी क्रोध नहीं आया। जब स्वप्न में काम नहीं है तो क्रोध भी क्यों आएगा? क्रोध तो परिणाम है काम के अभाव का। काम की जब पूर्ति नहीं होगी, जब कामना पूरी नहीं होगी तो क्रोध आएगा। तो क्रोध जानते हो कब आता है? अपनी अक्षमता पर, अपनी विफलता पर, अपनी अयोग्यता पर, अपनी असमर्थता पर। जिनको गुस्सा आता है वो लिख लें गुस्सा क्यों आ रहा है। अयोग्य हैं आप, अक्षम हैं, संतुलन नहीं बैठा सके आप, फेलियर हैं आप। गुस्सा आ रहा है दूसरों पर ना, दूसरे पे गुस्सा नहीं आता, अपनी अयोग्यता पर आता है। गुस्सा कर रहे हैं दूसरों पर, कह रहे हैं मुझे उस पर गुस्सा आता। अरे तुझे उस पर गुस्सा कहां आता भाई? तुझमें अयोग्यता है, अक्षमता है, फेलियर हो तुम, असफल हो, इसलिए गुस्सा आ रहा है। नाम दूसरे का लगा रहे हैं, इन्हें देख के हमको गुस्सा आता है, उनको देख के कहां आता है आपको? आपको गुस्सा अपनी अयोग्यता के कारण है, असफलता के कारण है, असमर्थता के कारण है, असंयम के कारण है। एक और बताएं क्यों है वो? विवेक के बिना आता है। विवेक नहीं है, वैसी बौद्धिकता नहीं है, वैसी ज्ञान सामर्थ्य नहीं है, तो गुस्सा क्यों आता है? अति लोभ के कारण, अति ज्यादा चाहिए इसलिए आता है। और अंत में एक बात जो गुस्से का कारण है, जिसके आप हकदार नहीं है और फिर भी चाहिए, इस वजह से गुस्सा आता है आपको। आप उसके हकदार नहीं है, डिजर्व नहीं कर रहे हैं आप, और आपको वो चाहिए चीज, गुस्सा आता है। ये शास्त्र की बातें, मेरी मनगढ़ंत बातें नहीं है। आप डिजर्व भी नहीं कर रहे हैं, अति अति चाहिए, अति बिना योग्यता पात्रता के, बिना श्रम साधना के डिजर्व नहीं कर रहे हैं आप, तो गुस्सा क्यों आ रहा है? बिना योग्यता पात्रता, बिना साधना के, बिना संयमशील सदाचार के, अब भी चाहिए आपको, आप अधिकारी हैं ही नहीं, गुस्सा आता है। हमको गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा आपको किस लिए आ रहा है? अयोग्य हैं आप, इसलिए अक्षम है, अपात्र है।
फेल्यूर है। तो कोई बेचारा गुस्सा कर रहा हो ना तो उस पर गुस्सा मत करना। कोई आदमी गुस्सा कर रहा हो, क्रोध कर रहा हो तो उस पर क्रोध मत करना। चुपके से डायरी में लिखना हारा हुआ प्राणी है, इस पर क्या क्रोध करना। हारा हुआ व्यक्ति है, थका हुआ व्यक्ति है, अयोग्य व्यक्ति है, असमर्थ व्यक्ति है, अक्षम व्यक्ति है, विवेकहीन व्यक्ति है। एक और बात है, गुस्सा करने वाले को और पुचकार आ जाए, प्रवोक मत कीजिए, उकसाओ मत, पलीता मत लगाओ। एक अंतिम बात, भैया कोई ऐसा विष है जो वो संभाल नहीं पा रहा, कुछ एक ऐसा विष है जो वो संभाल, ऐसा टॉक्सिन है वो कुछ संभाल नहीं पा रहा, ऐसा जहर है उसके पास जो उगल रहा है, तो हाथ पसार के आपको ही लेना है उसे, मत लीजिए, एक्सेप्ट ही मत करो। तो कोई एक दुष्ट व्यक्ति एक साधु के स्नान के बाद थूक दिया उनके ऊपर, घटना पंचतंत्र की है, सांची है। कोई साधु स्नान करके निकला नदी से, थूक दिया उसके ऊपर क्रोध में, साधु दोबारा गया स्नान करने, फिर थूक दिया, साधु तीसरी बार गया फिर थूक दिया, अब वो थक गया बेचारा अपमान करते करते। तो उसने कहा कि आप मुझसे घृणा नहीं कर, मैं जानता हूं कि मैं बार बार थूक रहा हूं, तुम उस पर घृणा तो कीजिए, मुझ पर क्रोध तो कीजिए, मुझे अपशब्द तो कहो, आप तो बड़े संत हैं, मुझे श्राप तो दीजिए। तो संत ने पता है क्या कहा कि तू पहले ही बहुत थका है और तुझे मैं थका दूं, तू पहले से ही कितना विष लिए बैठा है और मैं दे दूं, जिसे तू नहीं संभाल सका तभी तो दे रहा है उसे, कोई गंदी चीज, विषैली चीज, भयानक वस्तु, दाहक मारक वस्तु। क्रोध दाहक है, मारक है, विदाहक है, संघातक है, उससे बड़ा कोई विष नहीं है। जिसे तू संभाल नहीं पाया, जो बेकार चीज है उसे मैं क्यों पकड़ लूं। उसने कहा मैंने, अरे साधु बहुत तेरा अपमान किया, मैं थूकता रहा। तो पता साधु क्या कहता है कि तेरे थूकने के कारण ही आज मैं 100 बार गंगा नहा पाया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था अब शरीर अपवित्र हो गया और मुझे जल चढ़ाना है शिव पर, तो मैं भी तो उसे भीतर ही भीतर मान रहा था, ऐसा नहीं है। हां मुझे विचलित नहीं हुआ वो एक अलग बात है, पर तू मुझे भी महान मत बोल। जब वो कन्फेस करने लगा, जब वो प्रायश्चित करने लगा, थूकने वाला प्राणी, और ये कहने लगा कि कितने महान हैं आप, आपको क्रोध नहीं आया, मैं इतना थूकता रहा आप नहाते रहे, मैं थूकता रहा आप नहाते रहे, कितने महान हैं आप, गिर पड़ा उनके चरणों में। तो साधु की ईमानदारी देखेंगे आप, साधु का भोलापन देखेंगे। उसने कहा नहीं नहीं, सच में पैर छूने के लायक नहीं हूं, अभी तू मेरे पैर मत छू। क्यों? बोले ये भी तो मुझे पता था ना कि थूक रहा है, ये भी मुझे ज्ञान था, तो ये भी ठीक बात नहीं है, इतना तो मैं फिर भी एक्सेप्ट कर रहा था कि तेरी जिह्वा से कोई हे वस्तु निकल रही है। हां यह सच है कि मैं क्रोधित नहीं हुआ, पर मुझे यह तो ध्यान था ना कि मुझे स्नान करने जाना है, मुझे स्नान करने जाना है, तेरे थूक को मैंने अमृत क्यों नहीं समझा, अभी मैं भी कच्चा हूं, मैं भी पूरा नहीं हूं, तो पैर नहीं छुआ छूने दूंगा, पूरा होने दे मुझे। क्रोध कब आता है? जब कामना की पूर्ति नहीं होगी, अक्षम है आप। तो जितना वैषयिक विषयक आपका, आर्थिक भौतिक आपका चिंतन होगा और उसे अनियंत्रित कर बैठे हो, क्रोध आएगा। ये एक फिलॉसफी की बात है। तो जो आपका आर्थिक चिंतन है, भौतिक चिंतन है, जो पदार्थ कामना है आपकी, यश कामना है, जो सकल अनुकूलताओं के संचय की आपकी जो भावना है, जब अनियंत्रित हो जाएगी, डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगी, डिस्प्रोपोर्शनेट अनुपात से अधिक, तो वो अनुपात से अधिक जब डिस्प्रोपोर्शनेट आपकी कामनाएं जाएंगी, क्रोध आएगा। ये क्रोध की ऊपर फिलॉसफी है। इसलिए अस्थियां ले आए उनके, अस्थि किसकी, जिसमें अकामता है, हिंसा का भाव नहीं किसी के लिए,
इंद्र ने और देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि हमें आपकी हड्डियां चाहिए, मरिए। बोले मैं कैसे मरूं? बोले सिंह के सामने जाओ, वो आपको चबा जाएगा। उस सिंह के सामने चले गए लोक कल्याण के लिए, मेरी अस्थियां सबके काम आएंगे। सिंह के सामने जाकर खड़े हो गए, सिंह पैर छू रहा है, हाथ चूम रहा है, प्रदक्षिणा कर रहा है। पतंजलि लिखते हैं, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग। अहिंसा प्रतिष्ठायाम, ये सूत्र है और आपको एक गौरव की बात सुनाएं, पूरे पश्चिम का दर्शन इसको प्रणाम करता है, इस फिलॉसफी को। संसार के बड़े बड़े दार्शनिकों ने, अर्थशास्त्रियों ने, मनोवैज्ञानिकों ने, समाजशास्त्रियों ने इस सूत्र पर अध्ययन किया है कि भारत का पतंजलि क्या लिख बैठा। चार बातों में पूरी उसने फलसफा दे दिया, नॉन वायलेंस का पाठ दिया है उसने। वायलेंस क्या है और नॉन वायलेंस क्या है? अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग। अगर आप में अहिंसा है, आप किसी का अहित नहीं कर रहे हैं, अहित नहीं सोच रहे हैं, तो पूरी सृष्टि के हिंसक पशु भी आपके अधीन हो जाएंगे। ये तो भारत में ही हो सकता है कि साधु जिस घाट पर बैठा है, शेर बकरी दोनों वहां पानी पी लें, बाघ और बकरी दोनों को कोई आदमी पानी पिला दे इकट्ठा और वो लड़े झगड़े नहीं, इसका मतलब है कोई साधु बैठा है। एक दूसरे के बैरी बैठे तो हैं भगवान के पास, मयूर मूषक कल्पना तो करो, मोर का और सांप का कैसा बैर है आपस में, मयूर का और सर्प का, सर्प मयूर मूषक वृषभ सिंह सब एक जगह बैठे हैं, एक दूसरे का बैर भुलाकर। और ये फैमिली कहीं आपने देखनी हो तो वहां एक ही मिलेगा, उसका नाम है भोले बाबा। वहां पार्वती बैठी है, गजानन है, षडानन है, जिस ढंग से शिव वहां बैठे हैं सब वैर भुलाए बैठे हैं। सर्प मयूर मूषक वृषभ सिंह सब बैर बुलाए बैठे। बैर आपके भीतर पहले आता है, दूसरे में बाद में जाता है। और एक आपको समझना हो बैर क्या है, तो बैर एक वायरस है, वो आपको पहले छूता है और फिर बाद में बाहर जाता है, वो दूसरे में बाद में जाता है, वो वायरस है भाई, बैक्टीरिया है, दूसरे का सम्मान छीनोगे, दूसरे का अधिकार छीनोगे, दूसरे का धर्म छीनोगे, दूसरे का संप्रदाय छीनोगे। आपको शांति चाहिए, पूरे विश्व में शांति करनी है, नॉन वायलेंस चाहते हो, स्टॉप कन्वर्जन, अब भी बंद कीजिए धर्मांतरण, अब भी। अब फॉर्मूला ढूंढने निकले हैं पूरे विश्व की समाधान के लिए, शांति के लिए, पूरे विश्व में शांति चाहिए आपको, एक ही काम करिए, स्टॉप अब भी कन्वर्जन, अब भी स्टॉप कीजिए, लोगों का धर्म बदलना बंद करो, पूरे संसार में शांति हो जाएगी। आत्माराम से एंटोनियो बनाना है आपको, तो बेचारा पीतांबर है, पीतांबर लाल है, आपको पीटर बनाना है उसे। अच्छा भला नाम है बेचारे का माधव, मैथ्यू करना है आपको। कितनी सुंदर नाम, बिचारी डॉली है, डिसूजा बनाना है आपको। माधवी को मार्था, चिंता क्या है आपको? दाल दो, दलिया दो, भोजन दो, शिक्षा दो, संस्कार दो, अन्न दो, औषधि दो, कौन मना कर रहा है? छल करेंगे आप उसके पीछे, औषधि नहीं दे रहे आप, छल है इसके मूल में, स्टॉप कन्वर्जन। ये अहिंसा, दूसरों के हित रखो, बदले में कुछ मत मांगो। तो इसलिए वो
हिंसक पशु भी चरण चूमने लगा, चरण छूने लगा। हिंसक पशु, शेर हाथ चूमता है, प्रहार नहीं कर रहा है, चरण चूम रहा है, प्रहार नहीं कर रहा है। इंद्र के सामने आगे वापस शेर को चूमकर गले मिलकर चुंबनों की बौछार कर दी। ऋषि ने, धन्य है ये शेर, मुझे चबा नहीं रहा, मुझे खा नहीं रहा है, चले आए। भैया मैं नहीं मरा, अब क्या करूं, मैं तो मरने गया था, नहीं मरा मैं, अब बताओ उपाय क्या, मैं मरूं कैसे। तो साधुओं ने कहा ऐसे करो, अपने ऊपर गुड़ शीरा शक्कर लपेट के जाओ, ये हिंसक पशु है, आपको चाटेगा, चाट चाट कर आपकी त्वचा छिलने लगेगी, रक्त बहने लगेगा। ये हिंसक पशु है, जब आपका रक्त बहने लगेगा उसे चूम चाटने लगेंगे, मांस खाने लगेंगे, आपका शरीर ही मर जाएगा। तो संत ने एक सुंदर सी बात कही कि शरीर तो मर जाएगा तो क्या मैं भी मर जाऊंगा, मतलब शरीर तो मर जाएगा, शरीर नहीं रहेगा तो प्राण भी नहीं रहेंगे, जब देह नहीं रहेगी, अंतड़ियां नहीं रहेंगी, मेरा रक्त नहीं रहेगा, फेफड़े नहीं रहेंगे, वो सब चबा जाएगा, तो मेरा शरीर मर जाने के बाद क्या मैं भी मर जाऊंगा। अब देवताओं का के पास इसका उत्तर नहीं है, उन्होंने कहा मैं फिर भी रहूंगा, शीरा गुड़ लपेट कर वो गए। जब अस्थि दान करने के लिए, देह को हिंसक पशुओं के सामने रखने के लिए, तो बड़ी अद्भुत बात हुई, वंडरफुल, कि शरीर तो चबा दिया उसने पूरा, रक्त पी गया वो, मांस भी ले गया, मज्जा मैद रुधिर सब ले गया वो, लेकिन देह मर जाना जीवन का मिटना नहीं है, देह का मर जाना जीवन का मिटना नहीं है, लाइफ एंड नहीं हुई है, देह का मर जाना जीवन का मिटना नहीं है। इसलिए वो अस्थियां जब लेकर गए, उसकी उन अस्थियों में चैतन्यता है, प्रखरता है, वो जीवंत हैं, वो प्रणवंत हैं। इसलिए पुत्र से कहा जाता है, प्रियजन कहते हैं कि तेरा पिता और ये तेरी माता, ये लगभग ये शव जल चुका है, अब इनमें प्राण नहीं रहे, कुछ नहीं रहे, लेकिन फिर भी एक कपाल क्रिया कर, हाथ में वे बांस लेकर दौड़ता है अस्थि भित्ति पर प्रहार करने के लिए, कपाल भित्ति, कपाल क्रिया आसक्ति है अभी भी, फिर से आने की कामना वासना लिए ये प्राणी यहां से न जाए, देह में इस काया को हमने समर्पित कर दिया है, पर ये पुनरागमन के लिए फिर से कोई कामना लेकर धरा पर लौट के ना आए, इसे कपाल क्रिया करो। कदली वस्त्र, कदली पत्रों में उन अस्थियों को लपेट कर जब देवगुरु बृहस्पति के संग इंद्र गया और वृत्तासुर पर उसने प्रहार करना ही चाहा था, उन अस्थियों के साथ वो हड्डियां जिन हड्डियों से ये धनुष बना था, जो सीता उठा सकी, राम उसे उठा नहीं सके थे, ऐसी हड्डियां नहीं थे वो, तो शिव का धनुष भी उस उन हड्डियों से ही बना, वो जो कोई उठा नहीं पाया। ये प्रतीकात्मक कथा, बड़ी सिंबॉलिक कथा है भाई, तब कितना भारी है, कितना मूल्यवान है। तो जो हिंसक है, निकृष्ट है, भ्रष्ट है, उसे करुणा से जीता जा सकता है, दंड देकर आप किसी के अस्त्र नहीं गिरा सकते। और बहुत से ऐसे उदाहरण आए इस देश में, दस्युओं ने अपने अस्त्र गिरा दिए, दस्युओं ने कहा अब हमारे अस्त्र गिर गए, अब हम दस्यु नहीं रहे, समर्पण करते, पर किस लिए, करुणा से। चंड कौशिक की प्रकृति बदल गई, जैसे ही उसने पैर छुआ महावीर स्वामी का, अंगुलीमाल ने जैसे ही देखा बुद्ध को तो पूरी प्रकृति बदल गई। अंगुलीमाल ने कितने स्नेह से, बुद्ध ने किस करुणा से देखा उस दुष्ट को, हत्यारे को, जो लोगों की न केवल हत्या करता था बल्कि हत्या कर उनकी उंगलियों को काट काट कर, और वो माला पहनता, ताजी मालाएं,
इतना हिंसक एक व्यक्ति कि उसे फूल माला नहीं चाहिए, उंगलियों की मालाएं चाहिए। लोगों की उंगलियां काटता था ताजी, उसे इतने पुरुष चाहिए। इतने लोगों की हत्या करने के बाद वो उनकी उंगलियां काट काट कर और उनकी माला बनाकर पहनता था। किस तरह की नृशंसता है, देखिए तो सही। ये कैसी, ये कैसा दानव संकल्प है, कैसी पैशाचिकता है। लेकिन उसी व्यक्ति को जब बुद्ध ने देखा तो वो प्रशित करने लगा। करुणा से आप किसी के हृदय का परिवर्तन कर सकते हैं, कानून से नहीं। कानून तो कितने बने हैं पर हमने तोड़ तो रहे हैं। यहां हॉर्न मत बजाइए, कानून भी है, लिखा हुआ भी है, मना भी है, फिर भी पौ पौ कर रहे हैं। कौन मानता है कानून को? और बिल्कुल इसको अन्यथा मत लेना। मैंने अपने ड्राइवर को कहा यह सड़क मेरे लिए नहीं है, बहुत से लोगों के लिए है। सड़क पर ऐसे चलो किसी को पता ना लगे। हाँ गाड़ी जरूर लेकर चलेंगे पर किसी को पता ना लगे, इस ढंग से चलिए। कोई देखेगा तो कहेगा साधु इसमें जा रहा है, और मैं नहीं चाहता कोई कहे असभ्य व्यक्ति बैठकर जा रहा है। सड़क के सारे कानून पालन करते हुए चलो। और सिपाही की सीटी का स्वर संविधान का स्वर है, उसे मानिए। तो याद रखना, विधि के प्रति अमान्यता ही आपराधिकता है। विधि के प्रति जो अमान्यता है, अस्वीकृति है, जो चैलेंजिंग, मैं चैलेंज देता हूं, जो विधि के प्रति अमान्यता है वही आपराधिकता है। आपराधिकता वही है, वही अपराधी होना है। तो व्यक्ति को दंड से नहीं, ध्यान रखना, दया से बदला जा सकता है। तो कितने लोग हैं जो शिक्षाओं से बाहर आए फिर गए, बाहर आए फिर गए, बाहर आए फिर गए। तो किसी को बदलना है तो कैसे बदलोगे? दया से, करुणा से, प्रीति से, प्रेम से। और हां उच्च चरित्र के द्वारा, अहिंसा से आप बदल सकते हैं इस देश को, लोगों को, किसी को भी। तो जैसे वो अस्थि निकाले और प्रहार करना चाहा उस दैत्य के लिए, तब वो सहसा परिवर्तित हो गया, उसका पूरा अंतःकरण ही बदल गया उस दुष्ट का। और वो कहने लगा, ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम, ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम, न सर्वभौमाधिरसाधिपत्यम, न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समर्जसत्ताभिरयसम। इस धरा के, अंबर के, स्वर्ग के, रुद्रलोक के कोई सुख नहीं चाहिए मुझे। अरे मेरा बावरा मन तो देखो, स्वर्ग के सुख पाने के लिए मैं देवताओं को त्रास देता रहा, मुनियों के प्राण छीनता रहा। मेरे ही कारण एक किसी संत ने अपने प्राण त्याग दिए, अस्थियां दे दी। मैं कितना दुष्ट हूं, मेरे कारण कितने दुखी हुए हैं। अब नहीं चाहिए मुझे वो सुख, नहीं चाहिए। ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम, मुझे सकल सुख नहीं चाहिए। फिर मुझे क्या चाहिए? समंजसत्वा विरही एकांक्ष, एक विरह चाहिए मुझे। मैं चाहूं और उसे दौड़कर मिलना चाहूं, वो दूर जाए, वो दूर जाए। कृष्ण ने एक बार माधव ने एक गोप से कहा, सुनाए तेरी पत्नी बड़ी सुंदर है, दर्शन करवा दे। और उसने, उस सुंदरी ने कहा, नहीं नहीं, इग्वाल गवार अहिर छोहरा, नहीं मिलूंगी मैं। अच्छा, उसकी मां ने ऐसे ही विनोद किया था कि एक वह परम पुरुष है, दिव्य पुरुष है, पूर्ण पुरुष है, सत्य पुरुष है, वो नित्य पुरुष है, वो नरोत्तम है, वो पुरुषोत्तम है, वो नरवीर है, काले नरसिंह मनोभिरामम, वो नारायण है धरा पर। इतना ध्यान रखना, पहले उसको ही मिलना, पहले उसके ही दर्शन करना, किसी और गंवार ग्वालिया के नहीं, उसको मिलना पहले। ईश्वर है वो,
वो जनार्दन है, जगन्नाथ है, वो विभु है, प्रभु है, स्वयंभू है, वो नटवर नागर नंदा है, वो माधव मुकुंद मधुसूदना है, वो केशव गोपाल है, उसे कोई बांके बिहारी, छैल बिहारी, रसिक बिहारी कहते हैं, वो श्रीनाथ है, वो बद्रीनाथ है, वो जगन्नाथ है। पहले उससे मिलना, उसके दर्शन करना, फिर किसी से मिलना। तू भाग्यशाली नहीं है, तू ब्रज में जा रही है, पर उससे पहले मिलना किसी ग्वारिया से नहीं, गमार से नहीं। उस संयोग से भगवान ही सामने खड़े हो गए। तो उसके मित्र ने कह रहे, गमार ग्वालिया, मेरी पत्नी बहुत सुंदर है, ये नहीं मिलेगी। तो उसको ऐसा लगा ये कोई ग्वारिया है, गमार है, ये कृष्ण नहीं है। भगवान मनोहार करते रहे, प्रार्थना करते रहे, अरे गोपी मिल तो सही, घूंघट तो खोल, मैं देख तो लूं तुझे, मैं धन्य हो जाऊं, मेरे ब्रज में आई है, मुझसे तो मिल, मैं कान्हा हूं, नंदनंदन हूं, यशोमत कुमार हूं, मुझे लोग ब्रजेश्वर कहते हैं, मैं यहां का ग्वाला। वो समझे बैठी कोई ऐसे ही है गंवार ग्वालिया, मुझे तो उससे मिलना है जो मेरी मां ने कहा था। हट करते रहे भगवान, वो मिली ही नहीं, और फिर भगवान को ऐसा लगा कि अरे इतनी हट भी क्या, तो फिर वो चले तो उसे लगा कि ये आम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए बिहारी, त्यों त्यों उज्ज्वल हो। जब लॉजिक है लोगों के कि भगवान सांवरे क्यों है, काला क्यों है कृष्ण। हमारे आश्रम के साधक लिखते हैं कुछ इस ढंग से, कान्हा की अखियन राधा की अखियन बसे, आश्रम के साधक कुछ इस ढंग से लिखते हैं कृष्ण के वर्ण के ऊपर, राधा की अखियन बसे कान्हा काजर संग, राधा की याही सो सखी है गयो श्याम श्याम को रंग, मिलकर गाइए। ये आश्रम की जुगाड़ है, आश्रम की जोड़ तोड़ है, मिलकर गाएंगे। राधा की अखियन बसे कान्हा काजर संग, राधा की याही सो सखी है गयो श्याम श्याम को रंग। और लोग कहां तक पीछा करते हैं कृष्ण का, एक ने तो
भगवान को किस ढंग से तुलना की है उनकी, जैसे कोई सूदखोर व्यापारी हो जो बहुत ब्याज बट्टा लेकर बहुत ज्यादा ब्याज लेता हो, ज्यादा ब्याज लेता हो, ऐसे सूदखोर किसी व्यापारी के साथ कृष्ण की तुलना की है। और क्या लिखता है आश्रम के साधक, क्या लिखते हैं इसमें, फ्यूजन है, एक लाइन मेरी है एक साधकों की है, इसमें फ्यूजन है थोड़ा। कान्हा तेरा रूप है कैसा साहूकार, कान्हा तेरा रूप है कैसा साहूकार, दो नैना गिरवी धरे दर्श दिया एक बार बिहारी, दर्श दिया एक कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम समंजसत्वा विरहीय कांक्षी। ये मुझे विरह के लिए कृष्ण को लाना पड़ा कथा में, और मीरा को विरह, मैं दौड़ूं और मुझसे दूर भागे, मैं दौड़ूं और वो दूर भागे, न मिलने में जो एक आनंद है वो मुझे मिले, प्रतीक्षा में जो सुख है वो मुझे मिले, मुझे एकदम न मिले, मुझे वो एकदम न मिले, इसके लिए मुझे कोई भी सुख नहीं चाहिए, मैं विरह चाहता हूं। तो जानते हो क्या हुआ, दधीच की अस्थियों से उसके अंतःकरण का परिष्कार तो हो ही गया, पर वो मिलना चाहता है परमात्मा को, और ये कहकर के मिलना मत, मिलना मत, मुझे विरह रहे, मैं तुझे पुकारता रहूं आना मत मेरे पास, मैं तुझे चाहता रहूं तू आना मत मेरे पास, क्योंकि मुझे तेरे दर्शन नहीं चाहिए, तेरा विरह चाहिए। अच्छा ये तो हमने भी अनुभव किया है कि दिन भर उत्सव की तैयारी करते रहो, उत्सव आ गया, उत्सव का कोई आनंद नहीं है, जो प्लानिंग में मजा है, रंगोली अल्पना मंगल कलश तोरण द्वार बंधन वार पूड़ी पकवान व्यंजन मिष्ठान, और चुपके से उनको देने के लिए दक्षिणा के लिफाफे, दिन में प्लानिंग करते रहो। अब कुंभ के लिए बैम्बो खड़े किए जा रहे हैं, वहां पर वो लैंडस्केपिंग वाले चल गए, आर्किटेक्ट चले गए, वहां पर क्या मैसिव कंस्ट्रक्शन है, इस समय 200-250 लोग काम कर रहे हैं उज्जैन में, इज ए मैसिव कंस्ट्रक्शन, दिन भर वहां 200-250-300 लोग काम कर रहे हैं, ट्रैक्टर्स चल रहे हैं, जेसीबी चल रही है, गार्डन्स बनाए जा रहे हैं, फाउंटेन्स बनाए जा रहे हैं, और किस बात के लिए कि एक दिन नहाने जाना है। देखिए तो वो जो चर्म है, जो व्यवस्था है, उसका अपना आनंद है। ये दिवाली जानते हो क्या है, दिवाली चर्म है तैयारी का, दीप पकवान व्यंजन मिष्ठान रंगोली अल्पना स्वच्छता सुंदरता दिव्यता, दैट इज द सैचुरेशन पॉइंट। दिवाली तो वो एक दिया ही, तो वो अंतिम जो दिया जलाना है पूजा का, उससे पहले कितने दीप जल गए, उससे पहले क्या तैयारी हो गई। आप इसको अन्यथा मत लेना, बसना और उजड़ना जिस ढंग से सन्यासी को आता है, सच में आपको नहीं आता। बसना और उजड़ना जिस ढंग से हम साधुओं को आता है, कि उजड़ना तो उजड़ना कैसे है और बसना है तो बसना कैसे है, आपको बसना देखना होगा कैसे बसा जाता है। तो जाइए उज्जैन की तैयारियां देखो हमारी,
और अंतिम स्नान करके कैसे उजड़ जाएंगे वहां, वो देखिए आप। बसना और उजड़ना। वृत्तासुर क्या कहता है, नहीं मुझे तू नहीं चाहिए, तेरा विरह चाहिए, न मिलने की प्यास चाहिए, मैं प्यासा सा रहूं, मैंने बहुत दुख दिया है लोगों को, एकदम मत मिलना मुझे, और निकट आकर भी दूर चले जाना, मैंने बहुत पाप किए हैं, मैंने बहुत दुख दिया है लोगों को, तुझे लगे कि अब मिलना है फिर भी मत मिलना मुझे, आना मत मेरे पास, मुझे विरह दे दे तू अपना। तो इसका अर्थ यह है कि साधु संत महात्माओं के पास सत्संग में कथा में जाकर एक बात तो हो जाती है, और उसका नाम है अंतःकरण की शुद्धि, उसका नाम है अंतःकरण की पवित्रता। मन भाई हल्का तो हो जाता है, सहज तो हो जाते हैं हम। बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत प्रयास करने पर भी यह समुद्र मंथन हो नहीं सका आज हमसे, वो बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं हो सका, ये बीच में विरह आ गया, फिर कृष्ण और राधा और ये दोहे, तो इस ढंग से कल सीधे सीधे आकर समुद्र का मंथन करते हैं, ये वो बड़ा तप। भक्ति सागर पर विशेष प्रसारण श्रीमद् भागवत कथा, कथा व्यास स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, स्थान वृंदावन उत्तर प्रदेश, दिनांक 23 से 29 फरवरी 2016, समय सुबह 10 बजे से।